उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेंगे नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स ठीक है थर्ड अमेंडमेंट की बातें करते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी सैलरी में भी कुछ अमेंडमेंट आई है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दो तीन अमेंडमेंट ही है, हैं बट है वो इंपॉर्टेंट ही uh, मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली होता क्या था सैलरी में आप लोग पढ़ते थे इनकेस अगर एम्प्लॉयर Employer contribution पहले ना पुराना लॉ आपको बता देता हूं फिर उसके बाद जो चेंजेस आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है employer कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर fund फंड सो इट वाज अ परक्यूज सेक्शन याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बट फिर भी अगर आप कहेंगे तो ये था सेक्शन सेवनटीन टू पर स्पेसिफिकली बातें करेंगे तो सेवनटीन टू सेवन ठीक है सेवनटीन टू सेवन होता था अगेन नॉट इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस नंबर बट हमें इतना पता था कि एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता था टू सुपर इनोवेशन फंड अप्रूव्ड सुपर इनोवेशन फंड तो अप टू रूपीज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड होते थे एक लाख पचास हजार तक एग्जाम होता था, था उससे ज्यादा अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉयर तो दैट विल बिकम टेक्सेबल जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक पुराना लॉ चल रहा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल देर इज एन एम्प्लॉय मिस्टर ए मिस्टरॉय है इनके एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करते थे अप्रूव्ड सुपर एनोवेशन फंड में फॉर एग्जाम्पल रुपीज वन लाख एटी थाउजेंड रुपीज तो इसमें से हम लोग एक लाख पचास हजार को एक्सम मानते थे और थर्टी थाउजेंड रुपीज को टैक्सेबल कर देते थे, थे ये पुराना प्रोविजन था अब टू टू पूरी तरीके से चेंज हो गया गया और दूसरा 17 7 आ गया है मतलब ये पुराने प्रोविजन को जो तो डिलीट कर दिया गया है और सेवनटीन टू सेवन में कुछ नई बातें आ गई हैं पुराना पूरी तरीके से डिलीट हो गया मतलब कुल मिला के सब्सिट्यूट हो गया सेक्शन क्या चेंजेस आए हैं फर्स्ट चेंज आया है कि ये वन लाख फिफ्टी थाउजेंड की लिमिट को कट कर दिया गया है और ये लिमिट हो गई है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की सो लिमिट हैज बीन बाय ऑलमोस्ट सिक्स लाख तो साढ़े सात लाख की सेवन लाख सेवन पॉइंट फाइव लाख की अब लिमिट हो गई है यानी कि अगर जब इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टू अप्रूव सुपर इनोवेशन फंड तो सेवन पॉइंट फाइव लाख तक एग्जाम रहेगा सर ये तो एम्प्लॉय के काफी बेनिफिट के लिए हो गया है क्योंकि तो लिमिट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है अगर हम सिर्फ इसको देखते हैं तो लगता है कि एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है बट एक्चुअली गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं स्पेसिफिकली कुछ लोग अपना टैक्स को थोड़ा इस तरीके से डिजाइन करते थे अपनी सैलरी को इस तरीके से डिजाइन कराते थे अपने एम्प्लॉयर से कि उनका टैक्स कम आता था या फिर किसी तरीके से टैक्सेबल इनकम कम से कम हो पाती थी उसके ऊपर एक्चुअली यहां पर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लेकर आए हैं वो क्या कहता है स्पेसिफिकली ना ये जो अमेंडमेंट आई है ये उन लोगों के लिए आई है जिन जो हाई सैलरी इनकम लेते हैं हाई सैलरी इनकम मतलब सिक्सटी लाख सेवेंटी लाख एट्टी लाख वन करोड़ मेनली जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं किसी भी कंपनी के लाइक सी ई ओ है या सी एफ ओ है सी ओ ओ है मेनली टॉप एग्जीक्यूटिव जिनकी सैलरी इज डिसेंट अमाउंट क्वाइट डीसेंट मतलब अच्छी खासी अच्छी सैलरी ठीक तो लग है लगभग ये लोग पाँच छः लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं मतलब अच्छी खासी सिक्सटी सेवेंटी लाख रुपीज एटी लाख रुपीज तक का इनका पैकेज होता है मेनली उन लोगों के लिए ये प्रोविजन आया था अब है क्या प्रोविजन जरा समझ लीजिए फर्स्ट चेंज तो मैंने बताया कि लिमिट सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज हो गई है बट पहले ये सिर्फ अप्रूव सुपर एनोवेशन पर लिमिट थी वन फिफ्टी अब इसमें दो चीजें और एड हो गई हैं और उनकी तीनों की कंबाइंड लिमिट है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज और इसका जो मेजर इंप्लीकेशन है ना वो सुपर एनोवेशन फंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है इंप्लॉयर इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये है, के लिए भी, पूछा जाना चाहिए इंपॉर्टेंट anyway, है. तो है तो उसमें से एक अमेंडमेंट ये है दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ओके क्या एड हो गया फर्स्ट तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपर एनशन फंड भी था उसमें दो चीजें और एड हो गई है सेकेंड है जो कुछ हुआ इसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड ये भी एड हो गया है यानी कि आज अगर एंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू आरपीएफ रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड रिकोगग्नाइज प्रोविडेंट फंड तो यहां पर भी मैक्सिमम एग्जेम्ट हो सकता है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको मैं थोड़ा सा ना और डिटेल में जानना चाहूंगा आपके साथ। सबसे पहले आप याद कीजिए जब हम लोग प्रोविडेंट फंड करते हैं स्पेसिफिकली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला जो एम्प्लॉय के लिए बना एक तो होता है पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बातें नहीं कर रहा हूं आई एम टॉकिंग टॉकउट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो वी अंडरस्टैंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तीन तरह के होते हैं एक तो स्टैचु प्रोविडेंट फंड दूसरा होता है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड द थर्ड वन वॉज अनकग्नाइज प्रोविडेंट फंड स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पुरानी बातें याद आ रही होंगी ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बैकग्राउंड देने की जिससे कि आप अमेंडमेंट को बहुत अच्छे से समझ पाए स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड मेनली गवर्नमेंट इम के लिए होता है जो प्रोविडेंट फंड एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी फाइव में आते हैं ठीक है ये इतनी बात याद नहीं करनी आपको बट स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड के लिए जितना भी इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता था वो फुली एग्जाम था आज भी वो फुली एग्जेट है जितना भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता था दैट वॉज फुली एग्जाम फैक्ट इट इज नाउ ऑल्सो फुली एग्जाम हम लोग पढ़ते थे कि आरपीएफ में जितना भी इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता था इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड उसको हम अपनी सैलरी का पार्ट बनाते हैं बट वो एग्जेप्ट होता है एग्जेम्ट अपू ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी तक एग्जेंट होता था पुरानी बात यह थी ठीक है सैलरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर सैलरी का मतलब था रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी तो आ, क्या क्या चीजें आती थी वहां पर बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर ये तीनों चीजें आती थी जो एच वगैरह में चीजें आती हैं वो तीनों चीजें हम लोग सैलरी में लेते थे ठीक है एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं प्रोविडेंट फंड की मैं बातें कर रहा हूं एक तो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड उसकी बातें नहीं करूंगा जो इम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड ओपन किए जाते हैं वन जितना भी इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता था एसपीएफ में वो फुली एग्जेप था पहले से भी अभी भी फुली एग्जेप है कोई चेंज नहीं है आरपीएफ में एग्जाम होता था अप टू ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी आज भी 12% परसेंट ऑफ सैलरी है बट यहां पर कुछ चीजें और एड की गई है इनफैक्ट चेंज यहां पर आया है थोड़ा सा चेंज यहां पर आया है बस ठीक है हाँ बट ये चेंज कुछ लोगों को काफी इंपैक्ट करेगा अभी कैसे करेगा वो मैं डिस्कस करूंगा पहले मैं पुरानी बातें कर रहा हूं यू आर पी एफ अनरिकोगनाइज स्टूडेंट फंड आप ये जानते थे कि अनरिकग्नाइज का मतलब ये कहीं से ऐसा प्रोविडेंट फंड कहीं से रिकग्नाइज नहीं है गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर अनरिकग्नाइज था जब ये हर साल कंट्रीब्यूट करता था एम्प्लॉयर इट वाज नॉट टेक्सीबल एवरी ईयर पुरानी बातें थी ठीक है इट वाज नॉट टेक्सीबल एवरी ईयर जब इसको विड्रॉल करते थे तब इसका हम कुछ पोर्शन टेक्सीबल करते थे ठीक है वहां पर कोई चेंज नहीं आया है यू आर पी एफ में भी कोई चेंज नहीं है चेंज है सिर्फ और सिर्फ आर पी एफ के बारे में आर पी एफ में चेंज RPF में अब लिख दिया तो एग्जेप्ट नहीं होगा साढ़े सात लाख से ज्यादा अगर इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो एग्जाम नहीं होगा और इनफैक्ट ये सेवन पॉइंट फाइव लाख की लिमिट शेयर करता है ये दो और चीजों के साथ कौन कौन सी है वो चीजें एक तो

इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन फिफ्टी थाउजेंड तक पहले एग्जाम क्लियर हो गया और इसके साथ साथ यहाँ पे साढ़े सात की जो साढ़े सात लाख की जो लिमिट है वो सिर्फ अप्रूव सुपर इनोवेशन फंड ही नहीं है अब हम इसमें से इसमें और देखेंगे इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिक्ज प्रोविडेंट मेनली यहाँ पर ये को, इस को से से fund, इसकी भी लिमिट सेवन पॉइंट लाख है इन दोनों की कंबाइंड घर के भी सेवन पॉइंट फाइव लाख है और अभी मैं थर्ड भी बातें करूंगा नेशनल पेंशन स्कीम की इन तीनों की लिमिट मिलाकर कंबाइंड लिमिट आज आप साढ़े सात लाख से ज्यादा नहीं ले सकते हो ठीक है ट्वेल्व परसेंट वाली लिमिट भी एज इट इज है अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं आपसे ठीक है मैं कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी लेट से देर इज एन एम्प्लॉ मिस्टर ए ठीक है ही इज वर्किंग विद सम कंपनी समेट ही इज वर्किंग विद ने लिमिटेड नेस्ले लिमिटेड में टॉप एग्जीक्यूटिव में से कोई आते हैं एंड सैलरी इज लेट से वन करोड़ हंड्रेड लाख इनकी सैलरी है ठीक है सैलरी का मतलब भी, भी फिलहाल के लिए समझ लेते हैं बेसिक सैलरी डी एमिंग को समझने के लिए सिर्फ सैलरी तो इनकी सैलरी हंड्रेड लाख रुपीज है अब ये क्या करते थे ठीक है मिस्टर ए बिकॉज ही इज अ टॉप एग्जीक्यूटिव इनके काफी इनके डिसीजन चलते हैं तो अपने एंप्लॉयर को ये बोलते थे कि सर मेरी सैलरी को इस तरीके से डिजाइन कीजिए कि मैं चाहता हूं कि इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करे इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था लेट से 12 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करते थे 12 परसेंट ऑफ सैलरी 12 परसेंट ऑफ सैलरी कितना हो गया आप जल्दी से बताइएगा 100 लाख का 12 परसेंट ऑफ सैलरी यानी कि इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता था बारह लाख हंड्रेड लाख का ट्वेल्वेंट इज लाख रुपीज और से पहले तक कि तक, ये बातें एक्सम्ड हो जाती थी क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन अगर इम्प्लॉय कर रहा है अपटू दैट इज बोलते थे मिस्टर थे कि चाहे आप मेरा टेक होम सैलरी कम कर दीजिए मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा दीजिए मतलब ट्वेल्व परसेंट तक

यानी कि आज 12% ऑफ सैलरी कितने कंट्रीब्यूट हो रहा है 12 लाख या 7.5 लाख एक फिक्स लिमिट हो गई विच एवर इज लोअर तो नाउ 7 लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज हो जाएगा एंड नाउ टुडे जो बाकी बचा कितना हुआ फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड दिस वुड बी टैक्सेबल यानी कि आज जो लोग स्पेसिफिकली वो लोग जी, हुआर गेटिंग हाई सैलरी इनकम हाई सैलरी इनकम उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये लॉ आया और इनफैक्ट जब अमेंडमेंट आती है आपको पता है कि कोई भी फाइनेंस एक्ट आता है उसके साथ उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है तो वहां पर फाइनेंस uh, मिनिस्ट्री उसको एक्सप्लेन भी करती है एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेमोरेंडम आई बिलीव आपको पता होना चाहिए वाली बात है वो डॉक्यूमेंट को कहते हैं मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल वहां तो पर लिखा होता है कि हमें एक्चुअली अमेंडमेंट ज्यादातर वहां पर लिखा होता है मैक्सिमम अमेंडमेंट के बारे में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बातें ये लिखी होती हैं ऑल दो तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट यू शुड नो वट इज वट इज दिस डॉक्यूमेंट कॉल्ड मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल तो वो लोग अमेंडमेंट क्यों लेकर आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल में तो हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं अभी फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी अमेंडेड तो उसका जब हम मेमोरेंडम देखते हैं मेमोरेंडम ट्वेंटी ट्वेंटी हम लोग देखते हैं तो वहां पर ये एक्चुअली में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन लोगों की सैलरी ज़्यादा है उनके वो लोग अपनी सैलरी इस तरीके से डिजाइन करते थे कि उनका ट्वेल्व परसेंट भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट आ जाता था इट वॉज सिग्निफिकेंट अमाउंट ट्वेल्व लाख रुपीज़ सिग्निफिकेंट अमाउंट और ये बट अगर वो साढ़े सात लाख से भी ज्यादा हो गई जैसे इस केस में साढ़े सात लाख से ज्यादा हो गई वो ट्वेल्व लाख रुपीज तो हम फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज को हम टेक्सीबल कर देंगे मैं आपको मेमोरेंडम बढ़ाऊ इन केस अगर आप ये देखेंगे दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज ठीक है मैं आपको फर्स्ट पेज दिखा देता हूं इसका पहले दिस वॉज फाइनेंस बिल ट्वेंटी ट्वेंटी प्रोविजन रिलेटिंग टू डायरेक्ट टैक्सेस तो ये हम सब पढ़ते हैं तो यहां पर ज्यादातर बातें लिखी होती हैं कि कहां, कहां पर हमने चेंजेस किए और क्यों करे हैं चेंजेस तो अगर हम इसकी बातें करते हैं तो ओ, यहां पर हमें मिल जाता है कहीं पर ये दिस वन अगर आप यहां से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आप ठीक है कोई टेंशन मत लीजिएगा कि सर ये सब कुछ पढ़ना होगा नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होगा बट आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि ये एक्चुअली अमेंडमेंट क्यों आती हैं। तो यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर जितना भी समझ पाए इट्स ओके ठीक है अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय रिकॉर्इज प्रोविडेंट फंड एक्सीडिंग टैक्सेबल ठीक है अभी existing provisions क्या कहते है? कि 12 Further, fund, हैं कि से ऊपर होगा. अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर इनोवेशन फंड तीन चीजें तो अप्रूव्ड सुपर फंड सुपर इनोवेशन फंड दूसरी चीज है रिकोग्इज प्रोविडेंट फंड और तीसरी चीज आएगी अभी थोड़ी देर में बातें करूंगा उसके बारे में न्यू पेंशन स्कीम जब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो इन तीनों चीजों के ऊपर पर चेंजेस आए हैं लिखा होता है फर्दर द अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर एनोवेशन फंड्रूव्ड सुपर एनोवेशन फंड बाय द एम्प्लॉयर एक्सीडिंग रुपीज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीजेड एस में स्पेसिफिकली बातें करेंगे तो सेवनटीन टू सेवन में सिमिलरली एस एस अलाउड डिडक्शन ऑफ एनपीएस एनपीएस की भी डिडक्शन मिलती थी जब हम ए पढ़ते थे तो जितना भी इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता था अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो फोर्टीन परसेंट ऑफ सैलरी सैलरी का मतलब वहाँ पर होता था मतलबी में डिडक्शन की मैं बातें कर रहा हूँ बेसिक सैलरी प्लस डी फॉर्मिंग पार्ट अदर एम्प्लॉय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए फोर्टीन था अदर एम्प्लॉय के लिए टेन होता था तो ये बात यहां पर लिखी थी न्यू पेंशन स्कीम में फोर्टीन परसेंट फॉर दैलरी कॉन्ट्रीब्यूट्रल गॉय टेन दैलरी कॉन्ट्रीब्यूटेडर की ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी एन पी एस की एमिट होती थी कहते हैं कि However, there was नो no combined अपर लिमिट क्योंकि ये तो सारी चीजें रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हैं तो इनके ऊपर एक कंबाइंड भी लिमिट होनी चाहिए थी तो इन लोगों ने क्या किया मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप अच्छे से रिलेट कर पाए आपको समझ में आ जाए आप बस बस एक बार ये सुनेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा स्पेसिफिकली एग्जाम तक तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि हाँ ऐसे चेंजेस क्यों आए थे और फिर आप एग्जाम में बहुत अच्छे से इसको लिख पाएंगे ओके okay. However, there was no combined upper limit for the purpose of reduction of the amount of contribution made by employer. जितना employer contribute करता था उसकी कोई upper limit नहीं थी क्योंकि ये तीनों का nature almost same होता है retirement benefit होते हैं ये. This is giving undue benefit to the employee. देखो साफ साफ लिखा हुआ है ये actually amendment आई है उन लोगों के लिए those who are getting high salaries. साफ साफ लिख दिया इट इज गिविंग अनड्यू बेनिफिट टू द वो employees को अनड्यू बेनिफिट दे रहा था अर्निंग हाई सैलरी इनकम देखिए साफ साफ लिख दिया है जो लोग हाई सैलरी इनकम ले रहे थे ठीक है थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूँ ठीक है द पीपल हु आर गेटिंग हाई सैलरी इनकम उनको अनड्यू बेनिफिट मिल रहा था इसीलिए ठीक है इतना सफिशियंट है बताना इतनी मुझे बताना था आपके लिए आगे का भी मैं बढ़ा दूंगा बट मेरे ख्याल से इतना आप समझ गए होंगे ओके okay. तो इन लोगों के लिए भी जो 12 परसेंट ऑफ सैलरी बारह लाख करता था तो बारह लाख पूरा एग्जाम हो जाता था पहले अलग से एक बेनिफिट था बट नाउ देर इज कंबाइंड लिमिट तो इनके ऊपर मैक्सिमम लिमिट है अब 7.5 लाख रुपीस की इससे ज्यादा की आप डिडक्शन नहीं ले सकते और हाँ ये 7 लाख 50,000 बाकी की दो लिमिट भी शेयर के साथ शेयर करेंगे किस किस के साथ अप्रूव्ड सुपर एनोवेशन फंड के साथ और दूसरा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम के साथ ठीक है जो लोग जिनकी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे कैसे जरा मैं एग्जाम्पल आपको

प्लीज मुझे बताइए इनका अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी का मतलब कितना हो गया ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज क्लियर है मैंने टेन लाख ,00 का ट्वेल्व परसेंट लिया है रुपीस. तो कोई प्रॉब्लम नहीं आज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड पूरा एग्जेक्ट हो जाएगा तो कितना करेंगे हम ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी और एक और लिमिट हमने लगा दी है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज

टू रिक्नाइज प्रूडेंट फंड लेट से रुपीज थ्री लाख ठीक है इनका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज प्रूडेंट फंड में थ्री लाख रुपीस, ठीक है इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ थ्री लाख रुपीस, तो क्या सर सर साढ़े सात लाख तक तो एग्जाम तो पूरा छोड़ दे एग्जाम नो मैंने कहा था कि ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी वाला तो है उसमें चेंजेस नहीं आया उसमें एक और चीज ऐड हो गई है साढ़े सात लाख की तो सिंपल तरीके से अगर मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दे दूं या फॉर्मूला क्या है ये सब आप भी बना सकते हैं तो मैं क्या बोलूंगा पहले मुझे बताइए जैसे हम लोग लिखते हैं ना हम लोग लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मैं एक भी एक एग्जाम्पल भी कराऊंगा इसके बाद ना पूरा आपकी बुक में से आपके नोट्स में से कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम अगर मैं करता हूँ ऑफ मिस्टर सी ठीक है

आप क्या करें लेस करें एग्जाम कितना एग्जाम करेंगे फर्स्ट लिमिट वाज़ ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी ठीक है सैलरी का मतलब आपको पता है बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्न ओवर परसेंट ऑफ सैलरी और रुपीज आज एक और लिमिट लगा दीजिएगा सेवन की सेवन की एक और लिमिट लगा दीजिएगा ठीक है

तो दिस लिमिट विल रिड्यूस टू बाय वन लाख तो रिड्यूस टू सिक्स मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जामिनर दो तीन चीजें एक साथ भी दे देगा ऑल दो मैंने एक इलिस्ट्रेशन ली है अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां पर मैंने एक दो चीजें एक साथ पूछी भी हैं ठीक है थीके? वो भी कैसे करेंगे अब ठीक है सब लोग समझ गए क्योंकि कंबाइंड लिमिट है खैर अभी मैं नॉर्मली कर रहा हूं इसको तो दिस इज ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी अब मुझे बताइए सैलरी का मतलब मान लेते हैं

टू फोर्टी आप एग्जेम करेंगे, 2, 40, रुपीज करेंगे, और कितना करेंगे? 60, रुपीज। सब लोग समझ बातें बाते थी इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। 60, रुपीज आप, करेंगे। आप ऐसा नहीं बोलेंगे सर सेवन पॉइंट फाइव लाख आप नई लिमिट आ गई है तो इंप्लॉयर अब तीन लाख कर रहा है चार लाख कर रहा है पांच लाख कर रहा है तो साढ़े सात लाख तक एग्जेम होगी नहीं जो पुरानी बातें थी आरपीएफ में वो अभी भी हैं बट उसके साथ एक और लिमिट आ गई है क्योंकि आज हमने क्या दिए ओवरऑल अभी हमने मेमोरेंडम पढ़ा वहां पर क्या लिखा था कि पहले सबके लिए अलग अलग लिमिट थी अब नाउ वी आर गिविंग यू अ कंबाइंड अपर लिमिट ऑफ सेवन पॉइंट फाइव लाख ठीक है क्लियर हो गया ये लिखना चाहते हैं आप आ, वैसे पहले मैं ना एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ फिर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ओके कम बैक तो क्या लिखा हुआ है आज इफ यू कम टू योर वंस अगेन पेज नंबर ट्वेल्व पर ओल्ड प्रोविजन क्या था? थावन में प्रोविजन थे इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपरनाइजेशन फंडल इन एक्सेज ऑफ वन फिफ्टी पहले तो ये पुराने provisions थे अब नाउ these provisions आर now डिलीटेड अब एक 17 टू 7 नया सेक्शन आ गया है पुराना सेक्शन डिलीट हो गया नया सेक्शन आ गया है वो क्या कहता है आज कंबाइंड लिमिट कौन कौन सी चीजों के ऊपर अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कर रहे कॉन्ट्रीब्यूशन नीचे साफ सफर लिखा हुआ एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है कहां पर करता है वो कॉन्ट्रीब्यूट रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड लिख लीजिए आगे मेरे साथ लिखिएगा वहां पर आरपीएफ आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट करता है या एनपीएस स्कीम में न्यू पेंशन स्कीम में वो कंट्रीब्यूट करता है बाय द एम्प्लॉयर लिखा हुआ है बाय द एम्प्लॉयर और इन एन अप्रूव्ड सुपर एन अप्रूव्ड सुपर एनोवेशन फंड इन तीनों को मिलाकर कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इन तीनों को मिलाकर इसकी कंबाइंड लिमिट है 7.5 लाख 7.5 लाख इसकी कंपन लिमिट है ठीक है इनके 7.5 लाख रुपए से भी ज्यादा आता है तब आप टैक्सेबल कर दीजिएगा 7.5 लाख तक एग्जम्प्ट है 7.5 लाख से एक्ससीड करेगा तो जितना एक्ससीड करेगा उतना आप टैक्सेबल कर देंगे ठीक है एक और सेक्शन ऐड हुआ है 17 टू 7 ए मतलब 7 के बाद 7 ए एक और क्लॉज ऐड हो गया है थोड़ी देर में इसके ऊपर आता हूं बहुत ईजी बातें लिखी हैं बट उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल कराना चाहूंगा इस एग्जाम्पल को प्लीज अगेन इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ओके इट सेज शुरू करें इसको इट सेज सुमेश रिसीव्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर

भी करता है ऑफ आरपीएफ मतलब ये इसको क्या बोलते हैं इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ठीक है थीके? इसके ऊपर तो इनफैक्ट सी में डिडक्शन मिलती है पता है पता ना पुरानी बातें हैं ये तो ये तो इम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है ठीक है आई बिलीव आपको सैलरी वगैरह आता है पुराना ठीक है मैं सिर्फ अमेंडमेंट कर रहा हूं यहां पर डिस्कस एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 1.5 लाख क्या रहा था 1.5 लाख तक होता था, बट अब हमें क्या देखना है? देखनी है, कि क्या तक है या नहीं है कंप्यूट मिस्टर सुमेश टोटल इनकम फॉर असैसमेंट इवेंटी टू तो हमें सुमेश की टोटल इनकम निकालनी है यहां पर मैंने दिया हुआ है बट मैं चाहूंगा कि आप ना मेरे साथ इसको सॉल्व करें जितना उसको आप एक, अपने आंसर को हाइड कर लीजिए ठीक है आंसर नहीं देखेंगे हम खुद सॉल्व करेंगे इसको ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा पांच दस मिनट लगा लेते हैं तो क्या हो गया ठीक है अच्छे से आएगा तो सही आपको समझ में ना ओके कम टू दिस एग्जाम्पल सॉल्यूशन एग्जाम्पल सेवन कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटेशन पर भी प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुमेश ठीक है असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू जब कभी भी सैलरी के क्वेश्चन होते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लिस्ट बना बना लीजिए पहले कि आपको एम्प्लॉयर से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो टैक्सेबल है या नहीं है दैट इज अनदर थिंग बट प्लीज़ मेक अ लिस्ट ठीक है टैक्सेबल नहीं है तो हम कोई बात नहीं आगे लिख देंगे एग्जैम्ट है बट प्लीज़ वेन एवर यू आर डूइंग क्वेश्चन ऑफ़ सैलरी प्लीज डू मेक अ लिस्ट वट ऑल थिंग्स यू आर गेटिंग फ्रॉम एम्प्लॉयर प्लीज़ राइट इट डाउन ठीक है तो हम लोगों को क्या क्या मिल रहा था बेसिक सैलरी याद है मुझे बेसिक सैलरी मिल रही थी दूसरा हम लोगों को मिल रहा था डीएनएस अलाउंस डीएनएस अलाउंस और हमें मिल रहा था शायद कैश अलाउंस था ना बेसिक सैलरी डी ए कैश अलाउंस सब लोग कर रहे हैं ना मेरे साथ मेरे साथ कर लीजिए ठीक है अगर अभी करना नहीं शुरू किया तो अभी यहाँ पर पॉज कर लीजिए वीडियो और इतना मेरे साथ आइए ठीक है कैश अलाउंस employer contribution टू आरपीएफ ओके employer contribution टू recognized provident फंड थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा एक लाइन की नेक्स्ट क्या था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया फिर था सोमेश कॉन्ट्रीब्यूट ये तो हमें इंप्लॉयर की तरफ से मिल नहीं रहा है ये तो इंप्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है दिस इज नॉट आवर इनकम ठीक है वो तो हमारी इनकम होती नहीं इनफैक्ट इसकी तो हमें डिडक्शन भी मिलती है एटीसी में और क्या मिलता है इंप्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू अप्रूव सुपर इनोवेशन फंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर फंड ओके, नाउ वी हैव मेड अ लिस्ट हमें इतनी सारी चीजें मिल रही हैं अपने एम्प्लॉयर से इन सब का हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस सैलरी ठीक है फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार अच्छे से ग्रॉस सैलरी के बाद हम क्या करते हैं लेस करते हैं डिडक्शंस क्शन सिक्सटीन स्टैंडर्डक्शन और उसके बाद हमारे पास सैलरी इनकम तो हम लोग सैलरी इनकम निकालनी है फिर हम लोगों को टोटल इनकम निकालनी है यानी कि किसी और हेड से इनकम होती है तो वो भी हम लिख लेंगे तो यहां पर तो नहीं थी हाउस प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं था पीजीबीपी एंड ऑल तो यही हमारी इनकम ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम जी टी आई हो जाएगा और जी टी आई में से आप लेस करेंगे से, मतलब अंडर ये करने के बाद आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी ठीक है जितनी भी एटीसी की एक डिडक्शन तो मुझे दिख रही है इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन तो ए टी सी की एक डिडक्शन मिलेगी उसके बाद देखते हैं कोई और डिडक्शन है या नहीं है ए टी डी ए टी वगैरह है तो वैसे थी नहीं वहां पर कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह या फिर एजुकेशन लोन वगैरह कुछ भी नहीं था याद आता है ना आपको डिडक्शन के चैप्टर भी एंड देन विल गेट आर टोटल इनकम फिर हमारी टोटल इनकम आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन टैक्स लाइब्रेरी पूछे यहाँ पर या टोटल इनकम तक पूछे तो टोटल इनकम तक पूछा है तो ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा तो यू शुड बी वेल अवेयर कि किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है कि कोशिश कीजिए कि हमको मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनर दे ठीक है एग्जामिनर तो चाहता है स्टूडेंट्स को मार्क्स देना ठीक है आप प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करते हो आप छोटी छोटी गलतियां करते हो तो वो सारी ठीक है हो, ठीक होती है प्रैक्टिस से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा ठीक है कंसेप्ट समझना एक चीज है कंसेप्ट भी समझना है वो तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज है ही बट द मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू प्रैक्टिस चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे पहले हम लोग बेसिक सैलरी कितनी थी फाइव लाख रुपीज ना 5 लाख इंटू ट्वेल्व दैट मेक्स 60 लाख रुपीस, ऊपर में रुपीस लिख देता हूँ 60 लाख डीएनएस अलाउंस वाज 2 लाख रुपीस, 2 लाख इंटू ट्वेल्व ठीक है मैं मेज्यूम कर लेता हूँ कि पूरे 12 महीने ही नहीं है ट्वेंटी फोर लाख सर वो ट्वेंटी परसेंट फॉर्मिंग पार्ट था अभी कुछ करना है क्या उसका अभी कुछ नहीं करना जब आपको रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी निकालनी होती है एच आर ए के लिए या प्रोविडेंट फंड वगैरह आर पी एफ वगैरह के लिए तब हम बात करते हैं वो कितना परसेंट फॉर्मिंग पार्ट है बिकॉज उतना परसेंट ही हमारे फिर सैलरी का पार्ट बनता है उस कैलकुलेशन के लिए ठीक है यहाँ तो डी एस ऑलवेज फुली टेक्सीबल कैश अलाउंस फुली टेक्सीबल होता है वन लाख रुपीज पर मंथ ठीक है यहां तक तो पुरानी बातें चल रही थी अब ध्यान दीजिएगा सब लोग मेरे साथ है ना यहाँ पर ठीक है अभी तक मेरे साथ नहीं आ पाए हैं तो अगेन आई से पॉज द वीडियो और फिर मेरे साथ आ जाइए आप लोग ओके एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकोग्ज स्टूडेंट फंड तो जल्दी से बताइए कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इलेवन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है इलेवन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी सिर्फ बेसिक सैलरी का इलेवन परसेंट ओके बेसिक सैलरी वॉज सिक्सटी लाख्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज इलेवन सिक्स लाखेंड रुपीज ठीक है इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज इसमें से हम एग्जेंट कर सकते हैं इसमें से मैक्सिमम कितना एग्जेप्ट हो सकता है ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी फर्स्ट पॉइंट Second, कितना एक्सम हो सकता है मैक्सिमम ठीक है।, तो है, मतलब है तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लिया छोटा सा नोट वन यहाँ पर हम सैलरी कंप्यूट कर लेंगे तो आप नीचे अपना नोट बना सकते हैं ठीक है लिख लिया इतना

प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर वो यहाँ पर है नहीं तो मैं इग्नोर कर देता हूँ बेसिक सैलरी वो सिक्सटी लाख डीए फॉर्मिंग पार्ट वॉज ट्वेंटी फोर लाख का शायद ट्वेंटी परसेंट दिया हुआ था ना हाँ ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ये हो जाता है सिक्सटी लाख प्लस फोर पॉइंट एट लाख ठीक है सिक्सटी फोर पॉइंट एट लाख दिस इज द सैलरी

सेवेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड या फिर सेवन फिफ्टी लाख विच इज लोअर ठीक है मतलब सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक तो एक्जेम्ट हो सकता है बट ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है सिक्स सिक्सटी मतलब फुली एक्ज हो सकता है एग्री है ना चाहे आप इसमें एक और अगर लिमिट लिखना चाहें ना तो लिख लीजिएगा एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन क्योंकि एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन से तो ऊपर आप जा नहीं सकते कभी भी तो कितना आ गया सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड यानी कि इससे ज्यादा तो कभी जाएंगे नहीं अंडरस्टूड ना एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन तो सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड तक आप एग्जेम्ट कर सकते हैं तो ये ये तो पूरा एग्जेम्ट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ठीक है नाउ दिस इज फुली एग्जेप्टॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर पी एफ बिकॉज एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन सिक्स सिक्सटी तक है हम लोग 12% परसेंट ऑफ सैलरी मतलब सेवन लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तक एग्जेम कर सकते थे ऑलरेडी हम सिक्स सिक्सटी कर किया है तो इसका मतलब ये एग्जाम पूरा हो सकता है मैक्सिमम लिमिट भी सेवन फिफ्टी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यह भी सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड तक ही कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो नाउ वी हैव नो प्रॉब्लम एट एट ऑल ऑल इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू हो गया अब यहां पर देखिएगा टू अप्रूव्ड सुपर एनोवेशन फंड्रूव सुपर एनोवेशन फंड में कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था इम्प्लॉयर वन पॉइंट फाइव लाख ठीक है कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा था वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का अब हम इसमें से एग्जाम कर सकते हैं कितना 150 या 750 750 बट वो कंबाइंड लिमिट थी जो आरपीएफ के साथ भी शेयर होगी तो यहां पर एग्जेप्ट हो सकता था सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड बट इसमें से हम 660 ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं आरपीएफ में एग्री है ना इतना तो हम एग्जेमशन ले चुके थे सिक्स की पक्का तो 750 फिफ्टी माइनस सिक्स यानी कि हमारे पास 90,000 की ही लिमिट अब रिमेनिंग लिमिट बची है आर यू ऑल गेटिंग दिस दिस वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास सुपर एनुवेशन फंड में या आरपीएफ में और थर्ड आ जाएगा एनपीएस बट अभी फिलहाल दो की बातें कर लेते हैं अप्रूव सुपर एनुवेशन फंड और आरपीएफ का टोटल मिलाकर कंबाइंड लिमिट 750 की है कि आप इतनी एग्जिमशन ले चुके हैं प्लीज मुझे बता बता दीजिए जब ऑलरेडी आप आरपीएफ पी एफ में सिक्स लाखेंड की एग्जामेशन ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं तो हाउ मच इज रिमेनिंग सर आउट ऑफ वी हैव ऑलरेडी क्लेम्ड तो जस्ट नाइनटी थाउजेंड रुपीज की एग्जामेशन और रह गई है बस हम नाइन्टी थाउजेंड तक ले सकते हैं अब बिकॉज सुपर एनुवेशन फंड में वन फिफ्टी की इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा है बट हम नाइनटी थाउजेंड जो रिमेनिंग है हम सिर्फ उतना ले पाएंगे तो रेस्ट विल बिकम टेक्बल तो इसमें सेन फिफ्टी माइनस नाइनटी टोटल लाखेंड और आप देख रहे हैं कि हमने सेवन फिफ्टी की एग्जामेशन ले ली है कैसे ली आर पी एफ में कितनी एग्जामेशन ली अगर कोई आपसे पूछेगा आरपीएफ में कितनी एग्जामिशन ली सर आरपीएफ में एग्जामेशन ली है हमने सिक्स पॉइंट सिक्स लाख की और सुपर फंड में कितनी एग्जामिशन दी नाइन थाउजेंड रुपीज नाइन टोटल हमने लाख की अपनी एग्जॉस्ट कर चुके हैं उससे ओवर एंड विल बी नाउ टोटल कर दीजिए लाख प्लस ट्वेंटी फोर लाख प्लस ट्वेल्व लाख थर्टी सिक्स लाख

लाख लाख ठीक है? और यही आपका जी टी आई हो जाएगा 96 से तक मिलेगी क्या हाँ मिलेगी नो पुरानी बातें चल रही हैं आप तो सी में हम लोग जानते हैं एटी सी में इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर पी एफ एसपीएफ यू आर पी एफ नहीं यू आर पी एफ नहीं आरपीएफ एसपीएफ मिल जाएगा जितना हम यहाँ पर आर में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मिल जाएगा बट मैक्सिमम कितना वन पॉइंट फाइव लाख एटीसी का मैक्सिमम डेढ़ लाख तक मिल सकता है तो कितना इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था इंप्लॉय इलेवन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था कॉन्ट्रीब्यूट इलेवन परसेंट टू आर पी एफ इलेवन परसेंट ऑफ वही बेसिक सैलरी का तो यहाँ पर हमने निकाल लिया था इलेवन परसेंट कितना था सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड पक्का ना बेसिक सैलरी का सिक्सटी लाख का इलेवन परसेंट सिक्स पॉइंट सिक्स लाख कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड बट रिस्ट्रिक्टेड टू बट लिमिटेड टू कितना वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक ही हम एटीसी ले सकते हैं तो बस हम वन लाख फिफ्टी थाउजेंड एटी ले पाएंगे तो इसको माइनस कर दीजिएगा तो यू यूर लिफ्ट विद नाइन्टी फाइव लाख टेन थाउजेंड इज योर टोटल इनकम सबको समझ में आगे ठीक है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा यहां पर इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर पी एफ इंप्लॉयर इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपर एनोवेशन फंड एक और चीज होती है इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम मैक्सिमम टोटल हम सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक ले सकते हैं उससे ज्यादा अगर इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो हम उसको टेक्सेबल कर देंगे तो देखिए वैसे इंप्लॉयर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था यहां पर एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन सिक्स पॉइंट सिक्स ठीक है नॉर्मल हम देखें कैलकुलेटर पर टाइप कीजिए आरपीएफ में, में, में से हम साढ़े सात लाख हम मैक्सिमम ले सकते हैं डिडक्शन और बाकी का सिक्सटी थाउजेंड रुपीज टेक्सीबल हो जाएगा ठीक है सब लोग समझ गए तो ये एक पुराना सेक्शन सेवनटीन टू सेवन डिलीट कर दिया गया और एक नया सेक्शन सेवनटीन टू सेवन लेकर आ गए हैं विच इज गिविंग अ कंबाइंड लिमिट टू थ्री थिंग्स वन इज अप्रूव्ड सुपर इनोवेशन फंड सेकेंड इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड न्यू पेंशन स्कीम ठीक है एक और छोटा सा सेक्शन जो मैं बातें कर रहा था सेवनटीन टू सेवन ए बी इंसर्ट किया गया एक और क्लॉज इंसर्ट किया गया सेवन ए सेवन ए ये कहता है कि इन एक्सेस ऑफ सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड को आप टैक्सेबल तो कर रहे हैं ठीक है और इस अमाउंट के ऊपर इस अमाउंट के ऊपर अगर कोई भी इनकम मिलती है लाइक इंटरेस्ट जनरली इंटरेस्ट मिलता है प्रोविडेंट फंड में आपके पास पैसे होते हैं उसका इंटरेस्ट मिलता है आपको या सुपर फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो जिस फंड में भी पैसा जा रहा है वहां पर इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा तो इन एक्सेस ऑफ ठीक है ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट स्टिल ये अमेंडमेंट तो है ठीक है एग्जाम में आपको यहां तक ही पूछा जाएगा क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट को टैक्सेबल करेंगे एज बट वो अभी तक प्रिस्क्राइब नोटिफाई नहीं किया गया है तो वो पूछा नहीं जाएगा बट यू शुड नो इज एवन ए तो ए कहता है कि इन एक्सेस ऑफ सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज को तो आप अमाउंट को टैक्सेबल करोगे और उसके उस एक्सेस के ऊपर जितना इंटरेस्ट है इस, इस साठ हजार के ऊपर जितना इंटरेस्ट है या कोई अदर इनकम है मेनली इंटरेस्ट ही होता है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट इज आल्सो टैक्सेबल उसको भी हम टैक्सेबल करेंगे देखिए क्या लिखा हुआ है न्यू सेक्शन ए इट सेज एनी एनुअल एक्रीशन ठीक है जो भी आपका एनुअल एक्रीशन एक्रीशन का मतलब क्या होता है जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट आते हैं लाइक इंटरेस्ट एनी एनुअल एक्रीशन बाय वे ऑफ किस तरीके से आ सकता है बाय इंटरेस्ट डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर जनरली होता क्या है वो इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ रिकग्नाइज स्टूडेंट फंड एनपीएस या सुपर इनोवेशन फंड को मिलाकर कम्बाइंड इसके बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट आया किस अमाउंट के ऊपर इन एक्सेज ऑफ सेवन पॉइंट फाइव लाख टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम जो हमने टोटल इनकम में टोटल इनकम में क्या एड किया लिखा हुआ है ना विच इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम टोटल इनकम में हमने क्या ऐड किया एक्सेज ऑफ लाख हमने टोटल इनकम में ऐड किया क्योंकि लाख तक तो एग्जाम था तो जो साढ़े सात लाख से ऊपर का जो अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है इन एनी प्रसर से जितना भी हमने ऐड किया टोटल इन तो इनकम का पार्ट बनाएंगे इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर अब दिस प्रिस्क्राइब्ड इज नॉट येट प्रिस्क्राइब्ड इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है हाँ अगर आपको अमाउंट ही दे दिया सीधा सीधा एग्जामिनर ने अमाउंट दे दिया कि ये जो आपने साठ हजार इंटरेस्ट से फाइव थाउजेंड रुपीज है तो प्लीज फाइव थाउजेंड को भी आप अपनी इनकम का पार्ट बना लीजिएगा ठीक है बट ऑल दो वो पूछा नहीं जाना चाहिए आपसे सब लोग समझ गए तो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी सैलरी के अंदर सेवनटीन टू सेवन और एक दूसरा सेक्शन एड हुआ सेवनटीन टू सेवन है क्लियर है सब लोग दूसरी सैलरी अमेंडमेंट पर आते हैं दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रिलेटेड टू ईसोप्स या स्वेट इक्विटी शेयर्स आप कह सकते हैं इसके बारे में बातें करते हैं सो कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रिलेटेड टू सैलरी इज स्वेट इक्विटी शेयर्स या ईसोप्स से रिलेटेड भी हम कह सकते हैं अमेंडमेंट है मैं डिस्कस करूंगा पहले आपके साथ ओल्ड प्रोविजंस क्या होते हैं और कुछ चेंजेस आए हैं कुछ ही कंपनीज के लिए आए हैं सभी कंपनीज के लिए नहीं आए हैं सो लेट्स टेक एन एग्जांपल वी हैव एन एम्प्लॉय एन एम्प्लॉय अमित ठीक है अमित है इनका नाम एंड ही इज वर्किंग कंपनी लेट्स ही इज वर्किंग विद विप्रो लिमिटेड अमित की सैलरी है टू लाख रुपीज ले लेते हैं ठीक है टू लाख रुपीज लेते हैं टू लाख रुपीज पर मंथ ही इज गेटिंग विप्रो लिमिटेड इनको स्वेट इक्विटी शेयर कोई भी स्कीम में अपना आई एम टेकिंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ स्वेट इक्विटी तो इनको हम इक्विटी शेयर कंपनी कहती है कि ठीक है हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है इनको इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं यू अंडरस्टैंड इट्स इनक्यूज होता है टेक्सेबल होता है ठीक है इनको दिए जाते हैं लेट से हंड्रेड शेयर्स कंपनी कहती है हम आपको हंड्रेड शेयर्स दे रहे हैं और आप इसको खरीद सकते हैं एट अ रेट ऑफ रुपीज फिफ्टी ईच आप पचास रुपए में ले सकते हैं इसकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है लेट से फोर अभी विप्रो चल रहा होगा साढ़े चार सौ लेता हूँ चार सौ के आसपास चल मैं ले लेता ओके, ठीक है, आप लोगों को पता है कि कितना टैक्सेबल करते हैं अच्छा मैं थोड़ा सा और डिटेल में चला पुराने ही हैं। थीके? अभी भी पुराने प्रोविजन ही कैरी हो रहे हैं बट एक जगह पर चेंज आया है। ये क्या एक्सरसाइज प्राइस क्योंकि ये बातें आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पेपर आएगा तो ये बातें एक्सरसाइज करते हैं ऑप्शन शेयर्स ले रहा हूं तो एक्सरसाइज प्राइज इज लेट से एक्सरसाइज प्राइज फेयर मार्केट वैल्यू ये मैं ऐसे लिखता हूं फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट On which it is exercised. जिस दिन ये बोल देते हैं कि हाँ सर मैं ये शेयर लेने के लिए तैयार हूँ फोर फिफ्टी रुपीज की FMV चल रही थी और एक दूसरा प्राइस होता है जिस दिन ये अलॉट होते हैं डेट ऑफ अलॉटमेंट ठीक है मैं थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूं अगर इनके एग्जामिन पूछ लेते हैं मान लेते हैं उस दिन था फोर सिक्सटी रुपीज ठीक है ये बात पहले मुझे बताइए आप दोनों चीजें दोनों डेट्स के बारे में आ, एग्री हैं ना क्या मतलब होता है इनका एक्सरसाइज डेट होता है जिस दिन एम्प्लॉय एग्री करता है कि हाँ सर मैं ये खरीदने के लिए तैयार हूं आई एम एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन तो उस दिन को बोलते हैं एक्सरसाइज डेट और फिर कंपनी कहती है ठीक है हम आपको कुछ दिन में अलॉट कर देंगे तो वो फॉर एग्जाम्पल पंद्रह दिन बीस दिन पच्चीस दिन में जिस दिन वो अलॉट करती है उस दिन को कहते हैं अलॉटमेंट डेट अब हम लोग अपना परक्यूजिट वैल्यू किस दिन बनाते हैं हम परूज वैल्यूएशन करने के लिए ठीक है ध्यान दीजिएगा ये बातें पुरानी है बट मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं आपके लिए परक्यूजिट वैल्यूएशन करने के लिए हम एफ देखते हैं फेयर मार्केट वैल्यू एक दीजिएगा फेयर डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन जिस दिन आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं ठीक है जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया उस दिन फिर मार्केट वैल्यू देखते हैं बट ये परक्यूजिट वैल्यू टेक्सेबल कब करते हैं जिस दिन एक्सरसाइज किया क्या आपको शेयर्स मिल गए ठीक है लॉजिकल समझो याद मत करना प्लीज इसको जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया उस दिन देखते हुए आपने किया होगा हा भाई फोर फिफ्टी का शेयर चल रहा है पचास रुपए मिल रहा है सर चार सौ रुपए का सीधा सीधा फायदा है हाँ मैं ऑप्शन लेने के लिए तैयार हूं क्या इसी दिन आपकी इनकम होगी आंसर इज नो जिस दिन आपको अलॉट होते हैं शेयर्स उस दिन आपकी ये इनकम होती है ठीक है तो बिल्कुल लॉजिकली समझ सकते हैं जिस दिन मेरे पास शेयर आए उस दिन मेरी इनकम हुई तो ये परक्यूज वैल्यू वैल्यू करते हुए कंप्यूटेशन करने के लिए तो हम फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं ऑन द एक्सरसाइज डेट बट इसको हम टैक्सेबल कब करते हैं हम इसको टैक्सेबल करते हैं व्हेन दे आर अलॉटेड जब ये अलॉट हो जाते हैं उस दिन हम इसको टैक्सेबल करते हैं ठीक है ये पुराना लॉ है इस, अभी तक मैंने कोई अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया है मैं आपके सिर्फ पुराने कंसेप्ट को थोड़ा ब्रशअप कर रहा हूं ठीक है तो हम किस दिन टेक्सेबल करेंगे जिस दिन इनको अलॉट हुए पर क्या ये 460 सिक्सटी प्राइस लेना है द आंसर इज नो 460 सिक्सटी प्राइज मत लीजिएगा प्राइस कितना लीजिएगा 450 जिस दिन एक्सरसाइज किया उस दिन का प्राइस तो हम परक्यूजिट वैल्यू क्या बनाते थे इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू नॉर्मली सी एंटर के लिए तो नॉर्मली वैसे फेयर मार्केट वैल्यू ही हो जाता है बट हाँ, अगर एक स्टेप थोड़ा सा और डिटेल में पूछ लेता है, so, हो, e हो, कुछ भी हो वेन दे आर एलॉटेड बट वाइल द दर्क्यूज वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं एफ एम वी एक्साइज प्राइस वाले दिन कितना था और अगर आपने इसमें से कोई फ्री में मिले हैं तो माइनस जीरो अगर आपने इसमें से कोई कंसिड्रेशन पे की है तो जितना अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय जितना एम्प्लॉय ने अमाउंट पे किया है ठीक है और प्लीज आप ये फॉर्मूले वगैरह बिल्कुल भी याद ना करें ये बिल्कुल लॉजिकल है आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए हमें क्या मिला और हम कितनी कंसिड्रेशन उसके लिए दे रहे हैं तो हमें क्या मिला शेयर मिला जिसकी वैल्यू कितनी थी साढ़े चार सौ फोर फिफ्टी एंड हाउ मच यू आर पेइंग अमित कितना पे कर रहे हो आप तो अमित ने बोला सर पचास रुपए तो सीधा सीधा आपको चार सौ रुपये का फायदा है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें फेयर मार्केट वैल्यू एक्साइज प्राइस का फोर फिफ्टी फोर सिक्सटी या फोर फिफ्टी फोर फिफ्टी माइनस कितना पैसा इम्प्लॉय पे कर रहा है फिफ्टी रुपीज तो फोर हंड्रेड रुपीज पर शेयर के इसका पर यूजिट बन जाता है फोर हंड्रेड इन टू कितने शेयर्स थे नंबर ऑफ शेयर ऑफ शेयर थे हंड्रेड फोर्टी थाउजेंड रुपीज पर क्यूजिट वैल्यू बन जाती है कब ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट जिस दिन ये शेयर अलॉट हुए उस दिन ये ऑन ऑन द द डेट डेट ऑफ ऑफ अलॉटमेंट अलॉटमेंट दिस बिकम जब भी अलॉटमेंट होगी इसकी उस दिन हम आपका परक्यूजिट में शामिल कर लेंगे आपकी सैलरी इनकम में और उस साल आपको टैक्स भी देना पड़ेगा उस साल आपको टैक्स भी, भी देना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली परक्यूजिट है ये थे एग्जिस्टिंग प्रोविजन पुराने प्रोविजन्स ठीक है ये पुराने प्रोविजन्स थे मैंने सिर्फ ब्रश अप कराया आपको क्या इसमें चेंजेस आए हैं कुछ लोगों के लिए यस आए हैं कुछ लोगों के लिए नहीं आए हैं ठीक है मतलब ये प्रोविजन भी अभी भी हैं ये प्रोविजन भी बिल्कुल अभी हैं अभी हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ चेंजेस आए हैं सबसे पहले मुझे बताइए ये सब बातें क्लियर हैं आप चाहे ना तो इसको नोट भी कर सकते हैं ठीक है आपके पुराने प्रोविजन्स आपके रिवाइज हो जाएंगे आप इसको नोट कर सकते हैं अभी एक मिनट में आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करिए नोट कर लीजिए आप ठीक है ओके अब मैं बातें कर रहा हूं कि चेंजेस कहां पर आए हैं चेंजेस आए हैं यहां पर ये कंपनी कौन सी थी विप्रो लिमिटेड विप्रो लिमिटेड कंपनी थी और ये अपने इंप्लॉयी अमित को शेयर्स या ई सॉप दे रही थी कितने का फायदा हुआ इनको चालीस हजार रुपए का फायदा वो उनकी इनकम बन गई ठीक है उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा अब प्लीज समझिएगा अब अमेंडमेंट के बारे की अमेंडमेंट की तरफ मैं जा रहा हूं और रीजन बता रहा हूं आपको अमेंडमेंट क्यों आई होगी मुझे बताइए यहां पर अमित की इनकम ऑलरेडी दो लाख रुपए है दो लाख का मतलब हो गया पूरे साल में वो टू लाख इन टू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर लाख की इनकम है और फोर्टी थाउजेंड का पर और आ गया यहाँ पर ठीक है चौबीस लाख के ऊपर वो टैक्स देता होगा चालीस हजार के ऊपर भी टैक्स दे देगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आराम से वो टैक्स दे सकता है ठीक है मुझे प्लीज बताइए क्या एम्प्लॉय को शेयर्स मिले या अभी पैसे मिले हैं सिर्फ अभी शेयर्स मिले हैं ठीक है पर कोई बात नहीं कभी ना कभी इसको बेचेगा ठीक है इसको पैसे भी मिल जाएंगे बट फिर भी इम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इम्प्लॉय को को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी खासी होती है और वो फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ के ऊपर भी टैक्स दे देता है क्योंकि उसको शेयर्स तो मिल ही गए ना एक तरीके से उसकी डीम्ड इनकम हो गई आई डू एग्री कि अब उसको पैसे नहीं मिले हैं प्लीज समझ लीजिएगा ही इज गेटिंग शेयर्स और ही इज गेटिंग मनी ही इज गेटिंग जस्ट शेयर्स तो उसको शेयर्स मिले हैं यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है चालीस हजार के ऊपर वो कह देगा कोई बात नहीं सर अभी तो विप्रो का शेयर और भी बढ़ेगा तो मुझे तो आगे फायदा ही फायदा होगा तो मैं अभी भी फायदा ही हो गया भाई मुझे इन काइंड में चीजें मिली हैं ऑल दो नॉट इन मनी बट स्टिल तो ये हमारी इनकम होती है और उसको उसकी सैलरी अच्छी खासी है उसको इसके ऊपर टैक्स देने पर कोई टेंशन नहीं है बट कुछ लोगों को इसके, इसमें प्रॉब्लम है और स्पेसिफिकली वो किस कंपनीज को बिलोंग करते हैं मेनली ऐसी कंपनीज जो स्टार्टअप्स होती हैं तो यहां पर अब मैं अमेंडमेंट की तरफ आ रहा हूं ये बोला गया कि कोई भी जो स्टार्टअप होगी स्टार्टअप अब कोई भी स्टार्टअप नहीं बोला गया बोला गया एलिजिबल स्टार्टअप अगर कोई कंपनी है एंड दैट इज एलिजिबल स्टार्टअप। इस वर्ड का मतलब क्या हुआ एलिजिबल स्टार्टअप तो इन्होंने कहा जो एलिजिबल स्टार्टअप डिफाइंड है सेक्शन एट्टी आई ए सी में सर ये कौन सा सेक्शन है आपके कोर्स में नहीं है सी एंटर के कोर्स में नहीं है सेक्शन एट्टी आई ए सी आप लोग जानते हैं ना जब डिडक्शन करते हैं एट्टी सी से एटी यू तक तो एट्टी सी एट्टी डी की फैमिली एट्टी ई ठीक है ये सब आते हैं एट्टी जी आता है ठीक है इसके बाद एट्टी आई की फैमिली आती है आई ए आई बी आई सी वगैरह ठीक है तो आई ए सी एक सेक्शन है जो आपके कोर्स में नहीं होते ठीक है आपके वहाँ पर फिर एट्टी क्यू क्यू बी रॉयल्टी ठीक है एटी क्यू क्यू बी ए टी आर आर बी ए टी 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 वगैरह टी टी ए टी टी बी ये सब कोर्स में है आपके बट एट्टी आई वाली फैमिली आपके कोर्स में नहीं है तो 80 आई मैं लिखा क्या है मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं अदरवाइज आपको एलिजिबल स्टार्टअप की क्या डेफिनेशन वगैरह होती है आपको नहीं करना है बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड एलिजिबल स्टार्टअप तो इनके अगर हम लोग 80 आई ए सी जाकर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ होता है कि जो लोग एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं उनको हम पांच साल में से तीन साल तक उनके उनको जितने भी प्रॉफिट्स आते हैं उसके ऊपर डिडक्शन दे देते हैं उन लोगों को ठीक है ये बातें एटीआईए सी में लिखी हुई हैं और फिर एलिजिबल स्टार्टअप्स के बारे में बताया भी हुआ है कि एलिजिबल स्टार्टअप्स कौन होती हैं uh, कोई ऐसी स्टार्टअप है कोई कंपनी है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है जो मेनली इनोवेशन करती है ठीक है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट या प्रोसेस इंप्रूवमेंट करती है और उनका स्केलेबल बिजनेस होता है स्केलेबल यू अंडरस्टैंड कि काफी ज्यादा वो एक्सपैंड कर सकते हैं बिजनेस और उस बिजनेस में काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब ऐसी स्टार्टअप्स काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं आ, या फिर वेल्थ तो है आपको सिर्फ इतना ही। आप लोगों के के लिए अभी इतना ही पढ़ना है ठीक है एटीआई में एलिजिबल स्टार्टअप है एटीआईएसी भी अगर ध्यान ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट यू शुड अंडरस्टैंड एलिजिबल स्टार्टअप उन लोगों के लिए यहाँ पर ई सॉप्स के लिए या स्विथ इक्विटी शेयर के लिए अमेंडमेंट आई है छोडीसी अमेंडमेंट की है अब ये एलिजिबल स्टार्टअप क्या होती है इनका बिजनेस मॉडल समझिए ये लोग काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स होती हैं बट मेनली इनके पास शुरू में फंडिंग uh, एक प्रॉब्लम होती है ठीक है फंड्स की कमी होती है इन लोगों के पास बिजनेस आइडियाज़ हैं अच्छे उनको इंप्लीमेंट करने के, के लिए उनके पास उनको अच्छे एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती है आई की जरूरत होती है या काफ़ी ब्रेनी लोगों की जरूरत होती है अब प्लीज मुझे बताइए अगर मुझे इतने ज्यादा स्किलफुल एम्प्लॉय चाहिए अगर मुझे इतने ज़्यादा स्किलफुल एम्प्लॉय चाहिए तो मुझे उनको अच्छी सैलरी भी देनी पड़ेगी बट ये एलिजिबल स्टार्टअप्स अभी इनके पास इतने मतलब बाद में डाउन द लाइन चार पांच साल के बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाएंगे तब इनके पास अच्छे खासे फंड्स होंगे अब इंप्लॉय को सैलरी देने के लिए भी बट अभी ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते सैलरी देना ठीक है मतलब प्रैक्टिकली इज अ प्रॉब्लम इतना ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतनी ज्यादा सैलरी इतने ज्यादा सैलरी uh, उन लोगों को दे पाए बट हाँ उनको रिक्रूट भी करना है अब ये लोग क्या कहते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कोई इंप्लॉय रिक्रूट किया लेट से uh, they recruit an employee ek employee hai let's say his name is jatin theek hai iit graduate hai और इसको थोड़ा अच्छा experience भी और काफी ज्यादा sharp uh, employee है ये ठीक है तो ये जतन को बोलते हैं कि जतन हम आपको ये रिक्रूट कर रहे हैं बट हम आपको इस समय बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं नहीं दे पाएंगे जतन बोलते हैं सर ठीक है फिर मैं भी नहीं आ पाऊंगा कि अगर आप मुझे सैलरी नहीं देंगे तो ये कहते हैं जतन देखिए हम आपको सैलरी अभी बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएंगे बट हम आपको हमारी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं ई सॉप्स दे देते हैं ठीक है ये ठीक है स्वेट इक्विटी शेयर्स दे देते हैं और जिस तरीके से आपको भी पता इसको समझ में आ गया जतन को इतना समझ में आ गया कि ये कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और इसका शेयर का प्राइस भी काफी ज्यादा अच्छा बढ़ेगा और मुझे जो अभी फिलहाल नुकसान होगा कम सैलरी लेने का वो आगे जाके कंपनसेट हो जाएगा तो लेट से हम इनको सैलरी दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बीस पच्चीस बीस लाख रुपए पूरे ईयर की ट्वेंटी लाख रुपीज बट इनको ये डिमांड कर रहे थे फोर्टी फोर्टी फाइव लाख की सैलरी की बट नाउ राइट नाउ एलिजिबल स्टार्टअप इज नॉट इन पोजिशन टू गिव दैट मच सैलरी तो ये इनको बोलते हैं कि हम सैलरी आपको दे देंगे बीस लाख रुप की और हम आपको हमारी कंपनी के शेयर्स दे देंगे ठीक है यू कैन कॉल इट्स इट स्वेडिकेयर्स अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हम आपको शेयर्स दे देंगे ठीक है फ्री में या बहुत ज्यादा बहुत कम कंसेशनल प्राइस में जैसे स्वेडिक्यूडी शेयर्स मिलते हैं और उनकी वैल्यू भी लेट से ट्वेंटी लाख रुपीज के आसपास होगी अब प्लीज मुझे बता दीजिएगा ठीक है कुल मिला के जतन को बात समझ में आती है कि ठीक है यार मुझे चालीस लाख की चीजें मिल रही हैं आई कैन गो विदिस कंपनी और वो इस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं आप मुझे बताइए मिस जतन को क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगी टैक्स पे करने में जतन सोचेगा कि यार मेरी सैलरी सिर्फ बीस लाख है और मेरी परक्यूजिड वैल्यू भी ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा कि स्वेटी क्वीटी शेयर है परक्यूजिड वैल्यू बनेगी आपकी और जैसे ही आपको अलॉट होंगे शेयर वो आपकी परक्यूजिड वैल्यू बन जाएगी और इनको शेयर अलॉट भी हो गए बट अभी फिलहाल ये इसको बेच बेच भी नहीं रहा है अभी इसके पास पैसे भी नहीं आ रहे हैं सिर्फ इनकाइंड की इनकम आ रही है और वो भी इतनी ज्यादा इनकम है कंपेयर टू हिस सैलरी अगर यहां पर मैं कंपेयर करूंगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं 24 लाख ,00 की सैलरी 40 फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये इन काइंड भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी टैक्स देने में बट इस इन दिस केस जतन को काफी प्रॉब्लम होगी वो सोचेगा यार उसका 40 लाख ,00 के ऊपर टैक्स बन जाएगा उसको 40 लाख के ऊपर टैक्स बन जाएगा और उसको 40 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा बट एक्चुअली उसकी मॉनेटरी इनकम हुई है सिर्फ 20 kind, ही मिले है, उसको मनी फॉर्म में तो कुछ मिला नहीं है अभी तो यहां पर जतन को प्रॉब्लम है इसलिए लॉ थोड़ा सा चेंज किया गया फॉर एलिजिबल स्टार्टअप एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए इसीलिए मैंने कहा था कि जो चेंजेस आए सभी लोगों के लिए नहीं आए इट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू सम एम्प्लॉयर्स ठीक है इन रिस्पेक्ट टू सम एम्प्लॉयर्स हु बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप अदर देन एलिजिबल स्टार्टअप वही पुराना लॉ चलेगा अदर देन एलिजिबल स्टार्टअप वही पुराना लॉ चलेगा आप उसको टैक्सेबल कीजिएगा इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट जैसे वो अलॉटमेंट होते हैं उसके ऊपर टैक्सेबल कीजिएगा और उसके ऊपर टैक्स भी लीजिएगा ठीक है अदर देन एलिजिबल स्टार्टअप जैसे इनके आई है e इनकम हम, हम तो इसी साल की मानेंगे जिस साल आपको हुए हैं। मतलब वही पुराना लॉ ध्यान से समझिएगा अमेंडमेंट हम आपकी इनकम तो इसी ईयर की मानेंगे बट जितना टैक्स होगा रिलेटेड टू दिस पर रिलेटेड टू दिस स्वेट इक्विटी शेयर सिक्योरिटीज हम सिर्फ वो टैक्स को डेफर कर देंगे हम उस टैक्स को डेफर डिले कर देंगे एक बार और रिपीट करूं सबको समझ में आ गया ना किसके बारे में बातें कर रहा हूं मैं ठीक है तो आई एम टॉकिंग अबाउट सैलरी अमेंडमेंट रिलेटेड टू E equity shares, जो यहाँ के इम्प्लॉय की सैलरी इनकम कम्पेटिवली कम होती है और वैल्यू भी अच्छी खासी होती है तो इन लोगों को काफी प्रॉब्लम है कि अभी टैक्स नहीं देना चाहते इसके ऊपर तो लॉ में थोड़ा सा चेंज किया गया यहाँ पर यह बोला गया कि ठीक है ये आपका परक्यूजेड तो हम इसी साल का मानेंगे जिस साल आपको ये शेयर अलॉट हुए हैं बट इससे रिलेटेड जो टैक्स है इससे रिलेटेड जो टैक्स है उसको हम अभी नहीं लेंगे आपसे ठीक है हम आपसे अभी नहीं लेंगे हम इसको बाद में लेंगे हम इसका जो टैक्स है वो डेफर कर रहे हैं ठीक है वी आर डिलेइंग दिस टैक्स इनकम टैक्स ने कहा कि हम इसका टैक्स हम आपसे बाद में लेंगे ठीक है अभी नहीं लेंगे कब लेंगे तो वहां पर कुछ डेट्स दी गई हैं ये तीन डेट्स इंपॉर्टेंट है कि हम इनसे टैक्स कब लेंगे हम इनसे कहते हैं कि हम आपको कम से कम चार साल दे रहे हैं ठीक है आपको फोर इयर्स दे रहे हैं चार साल तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे तो फर्स्ट डेट है फोर इयर्स ये फोर का कब देखना है ये देखना है कि जिस भी ईयर आपको ये शेयर्स अलॉट हुए जिस भी ईयर आपका ये टैक्स बन रहा था उसका जो भी असेसमेंट ईयर है उसका जो भी असेसमेंट ईयर है जैसे कि फॉर एक्जाम्पल प्रीवियस ईयर 2021 में ये टैक्स बन रहा था नॉर्मली तो 2021 में बन रहा था टैक्स मतलब असेसमेंट ईयर क्या हुआ इसका रिलेवेंट अट ईयर ठीक है मैं भी आपको पढ़ा सकता प्लीज आप ध्यान दीजिए पांच दस मिनट लगेंगे इसको समझने में और आप बहुत अच्छे से इस परफेक्ट हो जाएंगे जिस भी ईयर आपका यह टेक्स बन रहा था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में प्रीवियस ट्वेंटी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हुआ 2021 का ये जब एंड होता है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू को यह एंड होता है यहां से फोर्टी एट मंथ यहां से फोर्टी एट मंथ फोर्टी एट चार साल तो इस चार साल जब हो जाएंगे उसके बाद हम आपसे टैक्स लेंगे ठीक है फर्स्ट डेट समझ में आ गई है तो एक तरीके से इनको चार साल तक का टाइम दे दिया गया चार साल में आराम से इनकी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी ठीक है इनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और चार साल का

फॉर एग्जाम्पल अगर जतन ने वो शेयर चार साल के बाद इसको टैक्स देना था ऐसे परक्यूसिट के ऊपर बट इन केस हमने क्या डिफर करा वो टैक्स डिफर कर रहा है कैसे करेंगे अभी मैं समझा रहा हूं सारी चीजें दूसरी चीज बोली कि अगर आपने वो शेयर ही बेच दिए ट्रांसफर कर दिए शेयर सेल कर दिए शेयर तो जैसे ही आप वो शेयर सेल करेंगे हम जो टैक्स आपका हमने अब पहले चार्ज नहीं किया था अब वो चार्ज करेंगे हाँ ऑब्वियसली जो सेल करेंगे उसके ऊपर तो कैपिटल गेन आएगा ही जो के ऊपर जो टैक्स था वो भी हम फिर उस साल ले लेंगे ठीक है अगर आपने चार साल से पहले शेयर्स बेच दिए तो ठीक है क्लियर हो गया अर्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट क्या है फर्स्ट डेट क्या है रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के चार साल के बाद हम आपसे टैक्स लेंगे Second, अगर आपने उससे पहले ही आपने शेयर्स बेच दिए उससे पहले ही आपने शेयर्स बेच दिए तब हम उस साल टैक्स ले लेंगे आपसे या फिर आपने वहां से रिजाइन कर दिया मतलब कुल मिलाकर वहां से आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया ठीक है रिजाइन हुआ टर्मिनेट हुआ वटेवर द केस में भी मतलब वहां से आपका एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया ठीक है स्टार्टअप्स आपने छोड़ दिया छोड़ दिया या निकाला गया वटेवर इट इज लिखा गया द एम्प्लॉयमेंट हैज बीन सीज्ड ठीक है तो सीज कैसे होता है रिजाइन करते हैं या टर्मिनेट होता है ठीक है नॉर्मली हम मान लेते हैं रिजाइन तो इनकेस अगर रिजाइन कर दिया है तो उस साल तो यहां पर टैक्स डेफर किया गया है सिर्फ क्या चेंज आया अमेंडमेंट खत्म हो गई अब तो मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो दिस अमेंडमेंट इज ओनली एंड ओनली फॉर एलिजिबल स्टार्टअप फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स एलिजिबल स्टार्टअप्स विच आर डिफाइंड अंडर एटीआईएसी एटीआईएसी में जाके नहीं जाना है हमें बिकॉज दैट इज नॉट इन दैट सेक्शन इज नॉट इन आर कोर्स अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉज हैं और आपको स्वेट इक्विटी शेयर ई सॉप या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मिलती हैं तो आपकी इनकम का पार्ट होंगी जैसे टेक जैसे हम उसको कंपटीशन करते थे वैसे ही करेंगे बट उससे रिलेटेड जो टैक्स होगा हम आपसे अभी नहीं लेंगे वो टैक्स आपका डिफर कर दिया जाएगा ठीक है वो टैक्स आपका डिफर कर दिया जाएगा कब तक डिफर कर दिया जाएगा हमारे पास तीन डेट्स है इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर ठीक है इन तीनों डेट में से विच एवर इज अर्लिएस्ट डेट

तो सेक्शन 192, 192 क्या होता है टी डी एस ऑन सैलरी मैं उसको भी यहाँ पर यहाँ पर ही टच कर रहा ठीक है टीडीएस ऑन सैलरी टी डी एस में फिर अब मैं जब टी डी एस में, में आऊंगा तो मैं बोलूंगा कि एक अमेंडमेंट 192 में भी आई है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो यही अमेंडमेंट है एक्चुअली टी डी एस ऑन सैलरी अब प्लीज समझिए जो भी एम्प्लॉयर है जब वो आप सैलरी देता है एम्प्लॉय को तो वो देखता है कि पूरे साल की इनकम कितनी है इंप्लॉय की और उसके हिसाब से उसका टीडीएस डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 192 ठीक है एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है टीडीएस डिडक्ट करना जितनी भी सैलरी इनकम जितने भी टैक्स लाइबिलिटी आई है उसकी प्लस सेस टोटल करता है डिवाइड बाई हर, हर महीने इतना इतना डिडक्ट कर लेता है बट प्लीज बताइए यहां पर एलिजिबल स्टार्टअप बींग एन एम्प्लॉयर सब लोग समझ रहे हैं दोबारा से रिपीट करूं एलिजिबल स्टार्टअप एम्प्लॉयर है जब इनको वो सैलरी देता होगा ट्वेंटी लाख ,00 रुपीज की सैलरी जब देता होगा टीडीएस डिडक्ट करता होगा अब क्योंकि भी इनकम का पार्ट है तो इसके ऊपर भी पूरा फोर्टी लाख ,00 के ऊपर ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी में मान लेता हूँ परक्यूजिट की वैल्यू भी है तो फोर्टी लाख ,00 के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा तो सर फिर तो टीडीएस अभी आ गया सर टी तो कट गया सर उसके ऊपर तो ये आपने बताया कि सर सैलरी में टैक्स डिफर करेंगे पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है ये तो सेक्शन तो वन भी चेंज करना पड़ेगा

बन रहा है जितना भी कंप्यूट हुआ उसमें से माइनस कर लेना जितना टैक्स रिलेटेड टू दिस परक्यूजिट है वही बात यहां पर भी ये लिखा गया टीडीएस 192 में कि इसका टीडीएस अभी मत डिडक्ट करिएगा पहले तो आप इनकम कंप्यूट कर कर ली करिए नॉर्मली जैसे आप करते हैं सब कुछ परक्यूजिट वगैरह ऐड कर कर लीजिए जो भी आपके टैक्स आ रहा है जिसका टीडीएस डिडक्ट करना है एम्प्लॉयर उस टैक्स में से

ठीक है सब लोग समझ गए तो टू में 192 में भी चेंजेस आए कैसे करना है इसको वो मैं अभी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूंगा बट अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं तो देखिए एक तो सैलरी के चैप्टर में चेंज आया सैलरी के चैप्टर में चेंज की इस साल जितना भी आपका ये टैक्स बनेगा वो टैक्स अभी ना लेके बाद में लेंगे आपसे 192 में भी चेंज करना पड़ा क्योंकि एम्प्लॉयर्स के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लेगा तो उनको बोला गया कि नहीं अभी मत करिएगा तो इसका टैक्स आप बाद में डिडक्ट करना कब करना is, ये तीनों डेट होगी उसके 14 के अंदर आपको डीडीएस डिडक्ट करना होगा ठीक है और एक और अमेंडमेंट करनी पड़ी ठीक है ठीक है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी एंटर बट स्टिल वन नाइनटी वन ठीक है इतना डिटेल में जाकर एग्जामिनर मुझे नहीं लगता पूछेगा बट आपको अच्छे से तैयार होना है ठीक है आपको आनी चाहिए वैसे 191, 191 डायरेक्ट पेमेंट है एस एस सी डायरेक्ट पेमेंट बाय बायस ये क्या होता है ये हम जब टीडीएस का चैप्टर पढ़ते हैं ना तब हम ये सेक्शन पढ़ते हैं 191 सेक्शन 191 हम ये पढ़ते हैं 191 में लिखा हुआ हो, होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक कसे हूँ मुझे कहीं से इनकम मिलती है ठीक है मुझे कहीं से इनकम मिलती है उसके ऊपर टी डी डिडक्ट होना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं हूँ रजत ठीक है मेरी कोई इनकम हो रही है और मेरी इनकम हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिस्टर जेड है मुझे इनकम ये पैसे दे रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जेड इज़ माई क्लाइंट जेड मेरे क्लाइंट हैं और ये इन्होंने मुझसे कंसल्टेंसी सर्विसेज ली और जेड मुझे पैसे दे रहे हैं ठीक है लेट्स से ही इज गिविंग मी लाख रुपीस ये मुझे पांच लाख रुपए दे रहे हैं ठीक है ही इज गिविंग मी लाख रुपीस हु इज द किसकी इनकम हो रही है रजत की मेरी जेड जब मुझे प्रोफेशनल सर्विसेज के पैसे देगा तो टी डी डिडक्ट करेगा वन जे ठीक है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए वन जे में टी डी डिडक्ट करेगा फॉर एग्जाम्पल जेड ने टी डी डिडक्ट नहीं किया ठीक है इन्होंने मुझे पांच लाख रुपए दिए और इन्होंने टी डी डिडक्ट नहीं किया फॉर एग्जाम्पल तो क्या इसका टैक्स मुझे खुद नहीं देना पड़ा पड़ेगा या मुझे भी मुझे देना पड़ सकता है मुझे देना पड़ सकता है मैं ये नहीं कह सकता सर मेरा टीडीएस डिडक्ट नहीं करा जेड ने तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती अरे मेरी लाइबिलिटी बनती है इफ द सोर्स हैज नॉट दोर्स टीडीएस ठीक है हाँ उसके ऊपर पेनल्टी प्रोविजन लेट फीस इंटरेस्ट वगैरह जो लगेगा वो लगेगा बट अगर इसका टैक्स गवर्नमेंट तक नहीं गया तो असेसिंग ऑफिसर वो टैक्स मुझसे भी मांग सकता है दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट पेमेंट बाय द असेसी 191 क्या होता है कि अगर किसी भी इनकम के ऊपर जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होना था और नहीं हुआ तो हम असेसी से भी वो टैक्स रिकवर कर सकते हैं अब देखिए इसको लिंक कीजिए सेक्शन 192 में बोला कि इंप्लॉयर इस पर टीडीएस अभी नहीं देगा चार साल के बाद देगा ठीक है चार साल के बाद सेल या रिजाइन की डेट विच एवर अर्लियर तब देगा अब हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर चतन के पास आ जाता वो कहता कि यार तेरे एम्प्लॉयर ने तो टीडीएस नहीं दिया है एक काम कर हम आपसे टीडीएस लेंगे अभी क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ऐसी इंटरप्रिटेशन कर सकता था बिकॉज़ ऑफ 191 क्योंकि 191 में ये प्रोविजंस हैं कि अगर एम्प्लॉयर ने टीडीएस नहीं दिया है तो हम एम्प्लॉई से जाके टीडीएस ले सकते हैं ठीक है टीडीएस मतलब टैक्स ले सकते हैं उनसे तो 191 में भी चेंजेस किए गए में भी चेंजेस किए गए तो यहाँ पर भी कॉन्सिक्वेंशल अमेंडमेंट की गई कि इसके ऊपर ना तो एम्प्लॉयर अभी टीडीएस डिडक्ट करेगा और ना ही अभी जतन को भी डिपॉजिट कराना है अभी जतन की भी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉय हैं और आपको ई सॉप इक्विटी शेयर या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मिली है दिस इज एन अमेंडमेंट ठीक है सबको समझ में आया क्या अमेंडमेंट है इस परक्यूजेट ये परक्यूजेट आपके इस साल की इनकम है नो no डाउट आपके इसी साल की इनकम है इसी साल के रेट के हिसाब से आपसे टैक्स लिया जाएगा बट अभी नहीं सिर्फ इसका टैक्स डिफर करेंगे क्या सभी सभी कंपनीज के लिए आया द आंसर इज नो ओनली विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबल स्टार्टअप के लिए ये अमेंडमेंट है बाकी लोगों के लिए नहीं है बाकी लोग तो अभी टैक्स देंगे ठीक है वेन दीज शेयर आर अलॉटेड टू देम बट एलिजिबल स्टार्टअप के अभी टैक्स नहीं देंगे उनको टैक्स देना है बाद में कब देना है तीन डेट्स दे दी गई एवर इज अर्लियर तब आपको टैक्स देना है 192 में चेंजेस किए गए इसके ऊपर जो टीडीएस बनता है इस के ऊपर वो TDS भी एम्प्लॉयर अभी डिडक्ट नहीं करेगा बाद में डिडक्ट करेगा इन तीन डेट्स के फोर्टीन डेज के अंदर अंदर वो डिडक्ट करेगा और एओ असेसिंग ऑफिसर आप डायरेक्टली भी इंप्लॉय से जाकर ये नहीं बोल सकते कि आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस नहीं डिटेक्ट करा तो हम आपसे लेंगे नहीं उनसे भी अभी नहीं लिया जाएगा कब तक नहीं लिया जाएगा जब तक ये डेट्स एक्सपायर नहीं होती तो विच एव रिजल्ट लिया ठीक है उसके डेज तक सब कुछ क्वेश्चन करते हैं बट कुछ पहले रीड कर लें वी आर ऑन पेज नंबर थर्टीन वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर पुराने प्रोविजन क्या थे पुराने प्रोविजन अभी भी हैं बट uh,

एलिजिबल स्टार्टअप अगर इंप्लॉयर एक एलिजिबल स्टार्टअप है ठीक है एलिजिबल स्टार्टअप के लिए हमें रेफर करना पड़ता है बट आपको जरूरत नहीं है ओके लिखा है केसेस में हम अभी टैक्स नहीं लेंगे टैक्स रेफर कर दिया जाएगा वेयर सच शेयर्स और सिक्योरिटीज आर एलॉटेड बाय द करॉयर हुआ इस टैक्सेबल क्या पर को इनकम नहीं बनाना इनकम तो बनाना है बट उससे रिलेटेड जो टैक्स है हम उसको डिफर कर रहे हैं कहते हैं कि इसका जो टैक्स है इन द ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अब ये तीनों डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों डेट्स इंपॉर्टेंट है ये आपको याद होनी चाहिए ठीक है मेन सब को मार्क कर रहा हूं बहुत इजी है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स

इन डेट्स के बाद ही टैक्स ले पाएंगे चलिए एग्जाम्पल करते हैं काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये मिस्टर विवान एन एम्प्लॉय ऑफ एक्स लिमिटेड व्हिच इज एन एलिजिबल स्टार्टअप ठीक है प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनको सैलरी मिलती है फोर लाख रुपीस पर मंथ फोर्टी एट लाख हो गया पूरे ईयर का इंटू ट्वेल्व करेंगे

प्रीवियस ईयर 1920 होगा ना मुझे प्लीज बताइए क्या हम इसको 1920 में टैक्सेबल करते हैं ठीक है नॉर्मली भी फॉर एग्जांपल अगर ये एलिजिबल स्टार्टअप भी नहीं होता तो क्या हम 1920 में टैक्सेबल करते हैं या इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट टैक्सेबल करते हैं फिर हमारे लिए 15th फरवरी 2020 इंपॉर्टेंट डेट क्यों है बिकॉज़ जब हम परक्यूजिट कैलकुलेट करते हैं ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ये जब हम कंप्यूट करेंगे तो हम एक्सरसाइज डेट की फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं यानी कि हमारे लिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परक्यूज वन ट्वेंटी रुपीज एफ हमें लेनी पड़ेगी ठीक है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है अगर आपको याद होगी तो इनकेस जब कभी भी ये शेयर बेचते हैं उसकी तो कॉस्ट क्या ली जाती है फेयर मार्केट वैल्यू जो परक्यूजेट बनाते समय लिया गया था मतलब 120. ठीक है फॉर एक्साम्पल कभी ना कभी ये बेचेंगे फॉर दो सौ का बेचा तीन सौ का बेचा चार सौ तो हम लोग करते हैं ना कैपिटल गेन कैसे करते हैं फुल वैल्यू ऑफ माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाती है उस समय वहां पर लिखा होता है कैपिटल गेन में हम लोग पढ़ते हैं कि जिस वैल्यू पर perquisite बनाया गया था उस फेयर मार्केट वैल्यू को ही देखा जाता है तो कौन से दे, देखी जाएगा वन ट्वेंटी बट आगे की सब लोग समझ रहे हैं ना ठीक है हो सकता है आपके एग्जाम में ये दोनों डेट्स ना देके सीधा सीधा दे दे एग्जामिनर तो, तो और अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए बट इन केस अगर आपको ऐसी डेट्स दी जाती है तो प्लीज बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है टैक्सेबल करना है ठीक है नॉर्मली केस में ओल्ड प्रोविजन के भी हिसाब से बता रहा हूं टैक्सेबल करना है हमें इसको इनकम बनानी है ऐसे बोल सकता हूं इसको इनकम बनानी है इन द ईयर इन सच शेयर आर एलोटेड परक्यूजिड वैल्यू कंप्यूट करने के लिए एक्सरसाइज डेट की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है शेयर वर एलॉटेड ऑन फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है दोनों डेट समझ गए 15 फरवरी को बोला विमान ने सर आई एम रेडी टू टेक am आई एम एक्सरसाइजिंग माई ऑप्शन आपने मुझे ऑप्शन दिया था ना कि मैं शेयर्स खरीदू या नहीं खरीदू हो सकता है ना भी खरीदता क्यों फॉर एग्जाम्पल उस दिन अगर शेयर का प्राइस ही इसको कितने का बोला गया पंद्रह रुपए का आप खरीद लीजिए शेयर फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का प्राइस ही बारह रुपए तेरह रुपए दस रुपए का आया होता तो कोई भी व्यक्ति लैप्स करा देता ऑप्शन वो कहता कि मैं नहीं खरीद रहा क्यों मैं चीज पंद्रह रुपए दू और दस रुपए की चीज लू इज नो no. हम देखते हैं कि उस दिन शेयर का प्राइस क्या चल रहा है तो शेयर का प्राइस क्या चल रहा था वन ट्वेंटी विमान ने बोला सर मैं एग्री कर रहा हूं मैं ये शेयर खरीद लेता हूं बट क्या जिस दिन इन्होंने यस ये बोला फिफ्टीन फेब्रवरी को क्या सेम डे शेयर अलॉट हो गए आंसर इज नो सर थोड़ा कंपनी टाइम लगी अलॉट करने में और उन्होंने कब अलॉट किया फिफ्थ अप्रैल को डेट ऑफ अलॉटमेंट पर इसको हम टेक्स इनकम बनाते हैं तो इसको इनकम हम कब बनाएंगे इसकी इनकम बनेगी फिफ्थ अप्रैल 2020 के हिसाब से मतलब प्रीवियस ईयर ईयर 2021 तो दिस इज मेन यहां पर हम इसको इनकम बनाएंगे बट की वैल्यू लेंगे 120 ट्वेंटी की वैल्यू लेंगे 120 इनकम हम लोग बनाएंगे इसको इस ईयर में अब क्योंकि ये एलिजिबल स्टार्टअप है ठीक है बॉस इनकम तो बना दो आप बट इससे रिलेटेड टैक्स इससे रिलेटेड टैक्स को डेफर करेंगे ठीक है सब कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया ना रिपीट करूं एक बार दोबारा से हाँ सर बहुत सारी बातें की हैं। एक बार रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन देखो सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पर है मिस्टर विमान ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ एन एलिजिबल स्टार्टअप सैलरी है इनकी फोर लाख पर मंथ फोर लाख इन टू ट्वेल्व फोर्टी एट लाख इनकी सैलरी इनकम है ठीक है बेसिक सैलरी मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं कंपनी ने टू नवंबर में इनको बोला कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं तो इस दिन तो आप कुछ भी टेक्सीबल नहीं करोगे क्योंकि इस दिन तो ऑप्शन है वो लैब्स करेगा, करेगा वो तो पता ही नहीं ना अभी ऑप्शन क्या दिया गया One, आप खरीद सकते हैं फिफ्टीन रुपीज के हिसाब से विमान ने बोला ठीक है सोच समझ के इन्होंने बोला फिफ्टीन फेब्रवरी को कि हाँ सर मैं खरीदने के लिए तैयार हूं तो उस दिन वैल्यू क्या चल रही थी वन तो वन के हिसाब से इनकम बनेगी फेयर मार्केट वैल्यू एक की चीजें आ रही है अगर फ्री में मिल रहे हैं तो पूरा 120 और अगर और अगर कंसंट्रेशन दे रहे हैं 15 रुपीस, तो कितनी इनकम बनेगी 120 ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन ठीक है तो 105 जीरो रुपीज की इनकम बन जाएगी पर शेयर इन टू टेन थाउजेंड शेयर शेयर फिफ्थ अप्रैल को अलॉट हुए यानि कि आप इस ईयर इसको हम इनकम का पार्ट मानेंगे ठीक है नॉर्मल अगर ये एलिजिबल स्टार्टअप नहीं होता तो टैक्स भी इसके ऊपर अभी लेंगे बट क्योंकि एलिजिबल स्टार्टअप है बस इसका टैक्स डिफर करेंगे हो गया अमेंडमेंट खत्म चलिए जी मैं यहां से दिखा दूँ आपको ओके कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ विवान फॉर असेसमेंट ईयर असेसमेंट ट्वेंटी टू सब लोग समझ गए हैं यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन जिस साल हमें शेयर्स अलॉट होते हैं उस साल की तो इनकम बनेगी

बट इसके ऊपर का टैक्स डिफर करेंगे तो इनकम का पार्ट तो बनेगा ये हमारी तो इनकम का पार्ट तो हमने बना दिया इसका बट इससे रिलेटेड जो टैक्स होगा वो हम डिफर करेंगे हमारे तीन डेट्स हैं तीनों में से जो भी पहले आएगी हम उस साल उसको टैक्सेबल करेंगे अभी नहीं करेंगे बट फिर भी इनकम का पार्ट तो बनाएंगे ठीक है प्लीज देख लीजिएगा कुछ स्टूडेंट्स गलती करेंगे वो कहेंगे सर इनकम का पार्ट ही नहीं है बाद में बनाएंगे इनकम नहीं इनकम इसी साल की है अमेंडमेंट क्या आई है

कैलकुलेशन तो पुरानी है आपको आपके लिए बट मैं रिवाइज करा देता हूं सबसे पहले बात बताइए टोटल इनकम 58 लाख क्लियर है आप अब सबसे पहले तो इस फिफ्टी एट लाख पर टैक्स निकाल दीजिए टैक्स ऑन अब इनकम ठीक है मेरा आ गया सेवनटीन लाख सेवेंटी सर ये कैसा है आपका हमारा तो आ नहीं रहा है ठीक है अच्छा मुझे बताइए 58 लाख पर स्लैब रेट लगाएंगे फर्स्ट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड पर नील नेक्स्ट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर फाइव परसेंट नेक्स्ट फाइव लाख के ऊपर ट्वेंटी परसेंट ठीक है और टेन लाख से अब कितना आ रहा है ये फोर्टी एट लाख के ऊपर थर्टी परसेंट लगा दीजिए ठीक है फोर्टी एट लाख के ऊपर थर्टी परसेंट फाइव लाख के ऊपर ट्वेंटी ढाई लाख के ऊपर पांच परसेंट ढाई लाख के ऊपर नल आ गया हाँ सर आ गया फोर परसेंट से ऐसे होना है अरे सरचार्ज भी तो है ठीक है पचास लाख से ऊपर पचास लाख से इनकम ज्यादा है टेन परसेंट सर आएगा इंडिविजुअल के लिए तो उसके ऊपर पहले ये टैक्स निकालिए सरचार्ज निकालिए कैलकुलेटर पर करेंगे कैलकुलेटर पर करते हैं सीधा ठीक है so, सर सरचार्ज निकालना तो आता नहीं है चलिए मैं सिखा दूंगा लास्ट में ना सरचार्ज की भी क्लास में एक लूंगा अमेंडमेंट की उसके साथ मैं थोड़ा सरचार्ज के बारे में मैं भी बता दूंगा बट अभी फिलहाल के लिए मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पर करा रहा हूँ आपके अच्छा देखिए फिफ्टी लाख है इसमें से दस लाख हटा दीजिए क्योंकि दस लाख के ऊपर तो हमें एक लाख बारह हजार पांच सौ का टैक्स आता है शुरू के टू पॉइंट लाख पर फाइव परसेंट लाख पर ट्वेंटी परसेंट होता है एक लाख ढाई लाख के ऊपर पांच परसेंट होता है बारह तो शुरू के इसके ऊपर तो जीरो तो शुरू के दस लाख के ऊपर तो एक लाख बारह हजार पांच सौ का टैक्स होता है वो तो हमें सबको पता है तो एक काम करते हैं पहले फिफ्टी एट में से दस तो हटा दिए फोर्टी एट लाख पर फोर्टी एट लाख पर थर्टी परसेंट टैक्स आया ठीक है कैलकुलेटर पर ही हो जाएगा सब कुछ चौदह और वो दस लाख के ऊपर था लाख बारह पर होगा होगा ना दोबारा से एक बार करें फोर्टी एट लाख टाइप कर दीजिए कैलकुलेटर पर उस पर थर्टी परसेंट फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड आया और जो हमने दस लाख की इनकम छोड़ी थी उसका भी टैक्स आता है पांच सौ वो ऐड कर दीजिए प्लस लाख तो आगे हमारे पास बिकॉज इनकम इज एक्सीडिंग देखो दो तीन कंसेप्ट मैंने कर इस क्वेश्चन में इसके ऊपर सरचार्ज भी आएगा टेन परसेंट प्लस टेन परसेंट सर ठीक है अब आपके पास आ रहा होगा सेवेंटीन लाख जीरो सेवन सेवनटीन लाख सेवन थाउजेंड सेवन फिफ्टी ठीक है अब इसके ऊपर फोर परसेंट सेस एड कर दीजिए प्लस सिंपल करिए प्लस 4% तो यू विल गेट दिस अमाउंट सेवनटीन लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्स जीरो पक्का आ गया एक बार और नहीं सर आ गया ठीक है पक्का ना जल्दी से एक बार कर रहा हूं मैं फोर्टी एट लाख के ऊपर फोर्टी एट क्यों लिया फिफ्टी एट में से टेन को तो अलग

अब प्लीज मुझे बताइए अब ये तो सिंपल था टैक्स कैलकुलेशन का वापस क्या हम से अभी 17 रुपीज लेंगे नहीं सर ये तो हमारा टोटल टैक्स आ गया अब जितनी हमारी परक्यूजिट वैल्यू थी जितनी हमारी परक्यूजिट वैल्यू थी उससे रिलेटेड जो टैक्स है वो अभी नहीं लेंगे वो हम बाद में लेंगे पक्का तो आपको क्या निकालना पड़ेगा आपको निकालना पड़ेगा पहले बताइए एवरेज रेट ऑफ टैक्स आई बिलीव ये तो सबको पता होगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं ठीक है एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज देख लीजिएगा जितना टैक्स आया कितनी इनकम के ऊपर टैक्स आया मतलब ऑन एन एवरेज क्या है रेट है टैक्स का सर हमने तो बढ़ते स्लैब रेट ढाई लाख तक नैल और फिर ढाई लाख तक पांच और अगले पांच लाख पर बीस अरे मैं एवरेज ऑन एन एवरेज पूछ रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि टैक्स कितना आया

आप देखेंगे परक्यूजिट कितना था पर था हमारे पास कितना स्टार्टअप एलिजिबल स्टार्टअप का बन रहा दस लाख पचास हजार के ऊपर ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स अप्लाई कर दीजिए तो टेन लाख फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर थर्टी पॉइंट सिक्स टू परसेंट तो आया हमारे पास थ्री ट्वेंटी वन फाइव वन जीरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मैं बता रहा हूं ये वाली ठीक है आप कैल कैलकुलेट कैसे करेंगे ये ये पता चल गया कि डेफर करना है अरे डेफर कितना टैक्स करना है ये तो पता होना चाहिए ना तो हमें पास समझ में आया पहले तो हमने नॉर्मली सारा टैक्स निकाल लिया फिर हमने एक एवरेज रेट निकाला कि मैं हर सौ रुपए पर कितना टैक्स देता हूं तो पता चला कि मैं हर सौ रुपए के ऊपर थर्टी पॉइंट सिक्स टू रुपीज का टैक्स देता हूं थर्टी पॉइंट सिक्स टू परसेंट का टैक्स मैं देता हूं तो दस लाख पचास हजार के ऊपर कितना टैक्स होगा तो दस लाख पचास हजार पर क्यूजिट वैल्यू उसका थर्टी पॉइंट सिक्स टू परसेंट ठीक है Sir, क्या हमेशा थर्टी पॉइंट सिक्स टू अरे हमेशा नहीं आएगा आपको एवरेज निकालना पड़ेगा यहां पर एवरेज रेट एवरेज रेट क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्लाइंट टू क्लाइंटी टू एस डिफर होगा तो एवरेज रेट आगे थर्टी पॉइंट सिक्स टू परसेंट ठीक है आई बिलीव सबको आगे एवरेज रेट निकालना दस लाख पचास हजार के ऊपर थर्टी पॉइंट सिक्स टू परसेंट थ्री लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव वन जीरो बस इतना टैक्स हमें डेफर करना है थ्री लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव वन जीरो ये टैक्स हम अभी नहीं लेंगे ये बाद में लेंगे कब लेंगे सर वो जब चार साल या इम्प्लॉ शेयर्स अपने बेच देगा या फिर अगर वो रिज़ाइन कर देगा या यहाँ से चला जाएगा तब हम ये टैक्स लेंगे तो अभी कितना टैक्स लेंगे सर सेवनटीन थाउजेंड सेवेंटी सिक्स जीरो सिक्सटी टोटल टैक्स था उसमें से इतना हटा दीजिए थ्री ट्वेंटी वन फाइव वन ज़ीरो तो रिमेनिंग वुड बी दिस तो मैंने क्या लिखा दिस इज ए दिस इज बी हम कितना लेंगे ए माइनस बी

अगर सर आधे शेयर्स बेचेगा तो तो आधा टैक्स ले लेंगे प्रोपोर्शनेटली सिंपल है अब देखिए यही मैंने किया है यहां पर इसको कितने शेयर्स आगे लिखा हुआ है कि सपोज इन एग्जांपल नंबर एट सोल्ड फाइव थाउजेंड रुपी फाइव थाउजेंड शेयर्स शेयर आधे शेयर बेच दिए अपने कितने के बेचे टू के तो टू के जब शेयर बेचे इसके ऊपर तो कैपिटल गेन कैपिटल गेन कोई अमेंडमेंट नहीं है तो आप पहले से जानते हो कैपिटल गेन कैसे निकलता है सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 250 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग लेते हैं कि जितना हमारा फेयर मार्केट वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज द ऑप्शन तो कितनी थी 250 120 तो ₹130 पर शेयर का कैपिटल गेन आ गया ठीक है तो 12 लाख 500000 Into 250, full value of 250, से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया, रुपीज तो ,00, का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों सर एक साल से ज्यादा है ठीक है आपको पता है शेयर्स लिस्टेड हैं एक साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अनलिस्टेड है तो दो साल से ज्यादा और ये शेयर्स अलॉट कब हुए थे कब से लेते हैं जब से अलॉट हुए थे फिफ्थ अप्रैल 2020 को अलॉट हुए थे बेच दिए हैं आपने 15 बारह 2022 को एक साल से ज़्यादा ही हो रहा है इनफैक्ट दो साल से भी ज़्यादा हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा ठीक है लिस्टेड ही मानते हैं ऑब्वियसली एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह देते हैं तो ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी देती हैं ये सब ठीक है सर, सर इंडेक्सेशन करनी है क्या

ठीक है साढ़े बारह लाख माइनस छह लाख साढ़े छह लाख रुपए का ठीक है सिक्स लाख फिफ्टी थाउजेंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन साथ में इंपॉर्टेंट बात क्या थी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये थी जितना हमने टैक्स डिफर करा था वो अब टैक्सेबल हो जाएगा बट क्या पूरे दस हजार शेयर्स बेच दिए अगर पूरे दस हजार शेयर्स बेच दिए तो थ्री ट्वेंटी वन फाइव वन जीरो टैक्सीबल कर देंगे इस साल बट अभी आधे बेचे ना तो ठीक है प्रोपोर्शनेटली तो करिए प्रोपोर्शनेटली कितना था सर थ्री लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव वन जीरो का टैक्स था ये 10% शेयर्स पर था 5000 के शेयर्स के ऊपर मतलब आधा 5000 डिवाइडेड बाय 10000 तो दैट कम्स टू 167.55 ये क्या चीज है ये टैक्स है ये इनकम नहीं है 650 तो इनकम थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितनी इनकम के ऊपर टैक्स आएगा वो तो देना ही देना है बट इस साल आपको इतना टैक्स और देना पड़ेगा 167.55 क्लियर है ठीक है एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी का एक और एग्जाम्पल करते हैं बट वो टी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं क्योंकि 192 में भी चेंजेस आए तो सेम ही इस तरीके से चलेगा बट एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़ी अच्छी और प्रैक्टिस हो जाएगी कर लें ठीक है उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में अपना आगे करेंगे इसके बाद तो फिर हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी वगैरह आएंगे हाउस प्रॉपर्टी में तो मेनली कोई अमेंडमेंट नहीं है पीजीबीपी uh, के अमेंडमेंट वगैरह हम लोग आगे के लेक्चर में कर लेंगे डिस्कस बट आज एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका

नवंबर 20 में सिर्फ ऑप्शन ग्रांट हुआ तो उस दिन तो कोई इनकम नहीं बनी यह ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया फिफ्थ फेबर 21 को जिस दिन एफ एम वी थी टू हंड्रेड तो इंपॉर्टेंट है कितना वैल्यू बनेगा 200 हंड्रेड एफ एम वी ऑन द डेट वेन द ऑप्शन इज एक्सरसाइज माइनस कितना कंसिडरेशन पे कर रहे हैं फिफ्टी रुपीजन पर शेयर इन टू ट्वेंटी थाउजेंड शेयर इतना पर

आपकी टोटल इनकम भी बन जाएगी इसके ऊपर टैक्स निकाल दीजिएगा अच्छा इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा क्या नहीं पचास लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं है ये सरचार्ज नहीं आएगा तो फोर्टी वन लाख फिफ्टी कैसे निकालते हैं टैक्स स्लाब रेट के हिसाब से फोर्टी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस टेन लाख कर दीजिए इसमें से दस लाख ,00 के ऊपर हम अलग टैक्स निकाल देंगे थर्टी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर थर्टी परसेंट पॉइंट थ्री नाइन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है पक्का समझ में आ गया दोबारा से एक बार रिपीट करूं फोर्टी वन फिफ्टी में से दस लाख को पहले साइड में रख दीजिए थर्टी वन लाखी थाउजेंड के ऊपर कर कर जैसे आपको ठीक लगे नाइन लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड ये टेक्सा थर्टी वन फिफ्टी के ऊपर शुरू के दस लाख के ऊपर कितना था इसमें ऐड कर दीजिए एक लाख बारह हजार पांच सौ वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड यू है

का टीडीएस अभी डिडक्ट नहीं करेंगे बाद में डिफर करेंगे इसको बाद में करना करना है, कब करना है है? ठीक कब सर वो तीन इसमें से, तो इस से, से रिलेटेड टैक्स होता है 795, कर तो थ्री लाख फोर थाउजेंड एट हंड्रेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है स्पेसिफिकली फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है यहां पर हमारा पूरा अच्छे से ये ई सॉप्स वाला टॉपिक स्वेटिकुडी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है ठीक है एक बार आप लोग भी इतना हमने कर लिया है बट तो मैं चाहूंगा पांच दस मिनट लगा दीजिए प्लीज ठीक है इसकी चाहे कोई और क्वेश्चन मत कीजिए यही क्वेश्चन ठीक है बिना सॉल्यूशन देखे बिना सॉल्यूशन देखे खुद कीजिएगा ठीक है कोई भी एक कर सकते हैं एक ही कर सकते हैं अब तो मैं इतना रिलैक्सेशन दे रहा हूं ठीक है एट्थ कर लीजिए या फिर टेंथ कर लीजिए एक ही कर लीजिए कोई भी एक कर, करें करना चाहें तीनों करना चाहें तो वेल एंड गुड बट फिर भी अगर कुछ लगे सर टाइम कम है या कुछ भी चीज़ें हैं तो एक कर लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट अब हम लेक्चर में मिलेंगे एंड विल डिस्कस पीजीबी पीजीबी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट तो है मतलब बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं यहाँ पर ठीक है बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं हाँ कुछ अमेंडमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट बट हैं सारी छोटी छोटी अमेंडमेंट्स ठीक है सैलरी में थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी अमेंडमेंट्स थी और रेसिडेंशियल स्टेटस में एक अच्छी खासी अमेंडमेंट थी बाकी थोड़ा कंपेरेटिवली छोटी हैं पी कैपिटल गेन काफ़ी छोटी अमेंडमेंट्स है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर